देखो ऐसा है, डिस्क्लेमर ये जनहित में जारी, तो कृपया अपने कानों को चरम सुख पहुंचाने के लिए हेडफोन का प्रयोग करें और वीडियो को प्ले करने से पहले आगे पीछे देख ले, सावधान रहे, सतर्क रहे। बाकी हम तो है ही, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, चाचा हमारे विधायक है, सीधा उठवा लेंगे। एक देश बनता है वहाँ के लोगों से, जहाँ लोग एक ही तरह के कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। बट इस बड़े से दुनिया में एक ऐसा कंट्री भी है जहाँ ये नियम कानून लागू नहीं होता है, जहाँ माना जाता है हर एक गांव मोहल्ले में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनका लैंग्वेज अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है, फिर भी यहाँ के लोग साथ रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। तो आओ जानते हैं कि कैसे ये देश बना। कहा जाता है कि हमारा प्यारा भारत समय से भी ज्यादा पुराना है। एक समय था जब लोग इसे सोने की चिड़िया कहते थे, बट ऐसा नहीं था कि हमारे साथ सब अच्छा ही हुआ। हम 500 साल गुलाम रहे, पहले मुगलों के अंदर, फिर अंग्रेजों के अंदर, बट वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के बाद सारी चीजें बदलने वाले थे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें पहले जानना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर वन का इम्पैक्ट हमारे देश पे क्या पड़ा। तो आओ देखते हैं। वर्ल्ड वॉर वन में हमने डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, बट हमने इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि हम उस समय पे कॉलोनी थे अंग्रेजों के, तो मजबूरन हमें इस जंग में कूदना ही पड़ा। और इसके सजा के तौर पे हमें ये मिलता है कि अंग्रेज टैक्सेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए था जंग जीतने के लिए, जिस कारण भारत के अंदर चीजों का दाम डबल हो चुका था 1913 से 18 के समय पे। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ भारत के आम लोगों को, और साथ ही साथ गांव के मासूम नौजवानों को जंग पे भेज दिया जाता था, बिना ये जाने कि वो चाहते थे भी या नहीं इस जंग को लड़ना। लाखों इंडियंस ने बलिदान दिया अपना। इसी बीच पूरे देश भर में फसल खराब हुआ हमारा, जिसके वजह से फूड शॉर्टेजेस पूरे कंट्री में होता है, और 1921 का सेंसस में कहा जाता है 12 से 13 मिलियन लोग मर जाते हैं फेमाइन यानी कि भुखमरी और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के कारण। ये भी एक तरह का बीमारी था, बिल्कुल आज के कोरोना वायरस जैसा ही। और ये सारे चीजें होने के कारण भारत के आम लोग चाहते थे कि हमें अब आजाद होना है, हमें और दबके नहीं रहना है, हमें इस गुलामी वाला जिंदगी से मुक्ति चाहिए। उन्हें जरूरी था एक मसीहा का, एक ऐसा आदमी जो कि उनके प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। अब जैसे अमेरिका को बचाने के लिए कैप्टन अमेरिका है, रवांडा को बचाने के लिए ब्लैक पैंथर है, उसी तरीके से हमारे इंडिया को बचाने के लिए आए गांधी जी। इनके पास पावर था सत्याग्रह का, यानी पावर ऑफ नॉन वायलेंस। एक पतले, दुबले और छोटे से इंसान ने अंग्रेजों के नाक पे दम करके रखा हुआ था। गांधी जी ने इंडिया आते ही तीन बड़े बड़े सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया, पहला चंपारण बिहार पे, दूसरा खेदी डिस्ट्रिक्ट गुजरात पे, और आखिरी अहमदाबाद गुजरात पे। तीनों ही सक्सेसफुल थे। अंग्रेजों ने गांधी जी का डिमांड माना, जिसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कुछ बड़ा करना है तेरे को। और इसी बीच एक काला कानून अंग्रेज लेके आए थे, जिसे हम जानते थे रोलेक्ट एक्ट के नाम से, जिसे बनाया था उस समय के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, जैसे आज के समय पार्लियामेंट था उस समय पे यही था। यहाँ इंडियन लोगों ने इसका विरोध किया, बट उनके बातों को ऐसे इग्नोर किया गया जैसे यार हम अपने टीचर्स के एडवाइस को इग्नोर करते हैं। और इस कानून ने गवर्नमेंट को इतना पावर दिया कि वो जिसे चाहे उसे पकड़ के जेल में डाल सकते थे बिना किसी ट्रायल के। और ये सारी चीजें गांधी जी ने देखा और उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने देश भर में इन 1919 को एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया, जहां लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे इस कानून के विरोध पे। इससे अंग्रेज डर गए थे, क्योंकि आज से पहले इतना बड़ा प्रोटेस्ट किसी ने नहीं कर पाया था, बट गांधी जी ने किया था, तो उन्हें कुछ ना कुछ करके इस प्रोटेस्ट को खत्म करना था। तो उन्होंने एक अंग्रेज ऑफिसर था जनरल डायर नाम का, उसे कहा कि जाओ और इस मूवमेंट को खत्म करके आओ। अब ये सत्याग्रह मूवमेंट जोर शोरों से अमृतसर पे चल रहा था। ये सारी चीजें जनरल डायर ने देखते हुए मार्शल लॉ को इम्पोज किया अमृतसर पे, जहाँ अब अगर कोई भी इंसान सड़क पे घूमता हुआ दिखा गया तो उसे सीधा पेल दिया जाएगा। और इंडियंस को सबक सिखाने के लिए उसने एक ऐसा चीज किया
इसके बारे में मुझे आज भी बताते हुए गुस्सा आ रहा है भाई। जिसे हम जानते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से। अब यह हुआ क्या था? ये समय था 13 अप्रैल 1919। अमृतसर, जलियांवाला बाग, कई मासूम लोग, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोग बैसाखी मेला मनाने आए थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल खबर नहीं था कि यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है। कुछ लोग थे जो पीसफुली यहाँ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। इसी बीच जनरल डायर आता है और जितने भी एग्जिट पॉइंट थे इस गार्डन का, उसे बंद कर दिया जाता है और ओपन फायर कर दिया जाता है आम लोगों के ऊपर। हजारों लोग मरते हैं, बच्चे, बूढ़े, सब। कहा यह जाता है कि वहाँ एक कुआं था, लोग अपना जान बचाने के लिए वहाँ कूदे थे, फिर भी वो अपना जान नहीं बचा पाए। लोगों का खून हुआ ऐसे बहा जैसे कि पानी। अब जब इस चीज का खबर देश भर में पहुंचा तो लोगों का दिमाग खराब हो चुका था और पूरे देश भर में वायलेंस शुरू हो चुका था, जो कि गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और गांधी जी ने इस मूवमेंट को वही बंद करवा दिया। अब एग्जाम में अगर पूछ ले कि बताओ, जो सत्याग्रह मूवमेंट रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट में चल रहा था, उसे गांधी जी ने क्यों बंद करवा दिया? तो पहला तो जालियांवाला बाग मैसेकर के कारण, दूसरा जो आम लोगों ने इसके कारण इतना वायलेंस किया, और तीसरा इस मूवमेंट में काफी कम लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया था, जिसके वजह से इस मूवमेंट को दबाने का मौका आसानी से मिल गया अंग्रेजों को। अब गांधी जी सोच रहे थे कि हमें अब कुछ इससे भी बड़ा करना है, जिसके लिए हमें हिंदू और मुस्लिमों को एक करना पड़ेगा। उस समय इंडिया के मुस्लिम लोगों का एक अलग ही प्रोटेस्ट चल रहा था खिलाफत मूवमेंट के नाम से। अब यहाँ बेसिकली World War I ओटोमन एम्पायर हार चुका था और कहा यह जा रहा था कि अब जो ओटोमन एम्पायर यानी कि जो खलीफा है वहाँ का, इनके ऊपर एक बहुत ही कड़ा ट्रीटी को इम्पोज किया जाएगा, जिसके बाद इनका पावर को खत्म कर दिया जाएगा। अब ऐसा ना हो इसके लिए इंडिया में बॉम्बे के अंदर एक खिलाफत कमेटी बनाया गया मुस्लिम लोगों के द्वारा, और अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन का तैयारी चल रहा था। अब गांधी जी ने ये एक अच्छा मौका देखा जहाँ हिंदू मुस्लिमों को एक किया जा सकता था, तो उन्होंने अली ब्रदर्स, जो कि खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उनसे बात करते हुए कहा कि देखो, हमारा दुश्मन तो एक है, अंग्रेज, तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़े, क्या कहते हो? वो भी मान गए, और जिसके बाद सितंबर 1920 को कलकत्ता सेशन होता है कांग्रेस का, और यह ऑफिशियली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, जिसे अब खिलाफत मूवमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा, और इसीलिए इसे कभी कभी नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं। लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही क्यों चुना? अब इसमें ऐसा क्या खास चीज था? तो देखो, गांधी जी ने एक बहुत ही फेमस किताब लिखा था हिंद स्वराज के नाम से, जिसके अंदर में गांधी जी ने बताया था कि अंग्रेज भारत के अंदर में इसलिए राज कर पा रहा है क्योंकि हम उनका साथ दे रहे हैं। अगर हम उनका साथ देना छोड़ दे तो कुछ सालों के अंदर ही अंग्रेज इस देश को छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा मानना था गांधी जी का। तो इसलिए उन्होंने जनवरी 1921 को नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया। ये पूरे देश भर में फैला और इंडिया के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से इस मूवमेंट को किया गया। पहले देखते हैं कि ये मूवमेंट टाउन एरियाज में कैसे चल रहा था। तो टाउन एरियाज में ये मूवमेंट को मेनली लीड कर रहे थे मिडिल क्लास लोग, जैसे कि स्टूडेंट, टीचर्स, लॉयर्स, इन सभी लोगों ने जितने भी अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल किए हुए इंस्टीट्यूशन थे उन सबको बॉयकॉट कर दिया। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिशियंस ने इलेक्शन भी लड़ने से मना कर दिया एक्सेप्ट मद्रास, और जितने भी फॉरेन गुड्स थे उन्हें भी बॉयकॉट कर दिया गया, और दारू के ठेकों को बंद करवा दिया गया, और अंग्रेजी सामानों को जला दिया गया। सब कुछ सही चल रहा था, बट ये मूवमेंट ठप पड़ गया दो कारणों की वजह से। पहला तो लोगों ने विदेशी सामानों को छोड़ के खादी तो अपना लिया था, बट खादी बहुत महंगा था, जिसके कारण लोग लंबे समय तक इसे इस्तेमाल नहीं कर पाए, और साथ ही साथ अंग्रेजों के इंस्टीट्यूशन को टक्कर देने लायक उस समय पे कोई इंडियन इंस्टीट्यूट तो था नहीं। तो हार मानते हुए जितने भी स्टूडेंट, लॉयर, टीचर्स थे, उन्होंने मजबूरन अंग्रेजों के इंस्टीट्यूशन में ही ज्वाइन कर लिया। अब ये तो मैंने बात किया टाउन एरियाज का, गांव में क्या चल रहा था भाई? तो देखो, गांव में दो मूवमेंट चल रहा था, एक पीजेंट्स का, एक ट्राइबल पीपल्स का। पहले देख लेते हैं पीजेंट्स का। देखो, पीजेंट्स के मूवमेंट को लीड कर रहा था बाबा रामचंद्र, और इस मूवमेंट का मेन एम था कि लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदारी सिस्टम जो है इसे खत्म करना है भाई, और उनका डिमांड था कि जो ये रेवेन्यू है इसे कम कर दिया जाए, और वह बेगर सिस्टम चलता था इसे भी खत्म कर दिया जाए, यानी कि बिना पैसा दिए यार काम करवाया जाता था गरीब पीजेंट से, जो कि नहीं होना चाहिए।
और साथ ही साथ जमीन का बंटवारा बराबर हो, ऐसा चाहते थे वहां के पीजन। और पीजन का सबसे बड़ा डिमांड था, वो पूरा बॉयकॉट करते थे कि ये जमींदारी सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। बट इस मोमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम था। सबसे पहला चीज तो यहाँ पीजन्स ने वायलेंस का इस्तेमाल किया, बाजारों को लूटा गया और गांधी जी के नाम पे लोगों का चूतिया काटा गया। उनसे ये कहा गया, देखो अब हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा और जमीन जो है जमींदारों का उसे हम सब पे बराबर बांट दिया जाएगा। बट ऐसा कुछ सच था नहीं। बात कर लेते हम ट्राइबल पीपल्स लोग के साथ क्या चल रहा था। तो देखो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने यानी कि अंग्रेज जो थे वो यार ट्राइबल पीपल्स का जो राइट है फॉरेस्ट को लेके उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब देखो मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ट्राइबल लोगों के लिए फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बिजनेसमैन के लिए उसका रोजी रोटी होता है उसका दुकान, उसी तरीके से ट्राइबल लोगों के लिए फॉरेस्ट था। बट अंग्रेजों के आने के बाद उनका ट्रेडिशनल राइट खत्म कर दिया गया था। अब इस मूवमेंट को लीड कर रहा था अलूरी सीतारमन राजू, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है साउथ का। इसके ऊपर एक मूवी भी बना हुआ है, अगर तुम लोग फ्री हो तो जाके इसे देख लेना। मैंने अभी तक देखा नहीं है बट अब देख लूंगा मैं, सही में इस वीडियो को खत्म करने के बाद तो जरूर देख लूंगा। तो ये बंदा गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था तो इसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरा प्रमोट किया, जिसमें यार इसने खादी को प्रमोट किया और दारू को डिस्करेज किया। ऑब्वियस सा बात है, बुरी चीज है भाई, पीना मत तुम लोग। बट राजू का गांधी जी से एक चीज को लेकर मुठभेद था। गांधी जी विश्वास करते थे नॉन वायलेंस पे, जबकि राजू का मानना था कि आजादी तो यार लड़के ही मिलेगा। और इसी सोच के कारण वो यार अपना जिंदगी से हाथ धो बैठता है 1924 को। बट यार मरने के बाद भी वो फोक हीरो बन जाता है ट्राइबल पीपल्स के लिए। आज भी यार स्पेशली आंध्र प्रदेश में काफी रेस्पेक्टेड पर्सन है वो। अब यार आ जाओ मेरे बर्थ प्लेस असम, जहां यार जो टी प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके साथ भयंकर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उनके लिए इस मूवमेंट और फ्रीडम का सिंपल सा मतलब था कि हम कहीं भी जा आ सके अपनी मर्जी से। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया था जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जिसके अंदर जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्हें बिना परमिशन का टी गार्डन से निकलने का अलाउ नहीं था। तो उनका मानना ये था कि देखो अब तो गांधी राज आने वाला है और अब हम आजाद हो जाएंगे और हमें अपने गांव पे अपना जमीन मिलेगा और वहीं पे हम मस्त खेती करके रहेंगे, ये जो गुलामी वाला जिंदगी है इससे हमें मुक्ति मिलेगा। और ये सोच के साथ वो चल दी अपने घर। बट सैडली वो घर तक नहीं पहुंच पाए, पुलिस वालों ने रास्ते पे ही पकड़ के बहुत ज्यादा कूट दिया उन्हें और वापस लेके आ गए। तो इस तरीके से ये मोमेंट भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब एक सबसे बड़ा सवाल, जैसे तैसे ये मोमेंट चल तो रहा था, अचानक से गांधी जी ने 12 फरवरी 1992 को ये पूरा मोमेंट को बंद कर दिया। अब ऐसा क्यों? अब इसका सबसे बड़ा कारण है चोरी चौरा इंसिडेंट। अब ये क्या था? देखो चोरी चौरा एक जगह था जहां लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट पुलिस आके उन्हें मारना शुरू करता है और गुस्से से आम लोग जाके पूरा पुलिस स्टेशन को जला देता है, जिसके कारण 22 पुलिसमैन मर जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा चीज था भाई, गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वायलेंस कैसे हो गया, तो उन्होंने ये मोमेंट को वहीं पे बंद करवा दिया। अब नॉन कोऑपरेशन मोमेंट के खत्म होने के बाद गांधी जी यार चले गए थे छुट्टी पे कुछ दिनों के लिए। और इसी बीच यार दो इवेंट होता है इंडियन पॉलिटिक्स पे, देखते हैं क्या क्या। पहला यार पूरे दुनिया भर में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, चीजों का दाम यार बहुत गिर चुका था उस समय पे, क्योंकि यार उस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का भी डिमांड इतना नहीं था, विदेश में भी सामान नहीं जा रहा था, एक्सपोर्ट बहुत कम चुका था और इन सब से यार सबसे ज्यादा लॉस हो रहा था आम किसान यानी कि पीजेंट्स को। अब ये तो पहला इवेंट था। और दूसरा इवेंट यार एक साइमन कमीशन बनता है। अब ये क्या था? अब एक बंदा था सर जॉन साइमन, ये यार इस कमीशन को लीड कर रहा था। अब देखो साइमन कमीशन का काम ये था कि उन्हें इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। बट देखो सबसे घटिया बात यहाँ में ये थी कि देखो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है बट एक इंडियन नहीं है यहाँ पे। तो ये देखते हुए इंडियन पॉलिटिशियन को गुस्सा आ गया। तो इंडियन पॉलिटिशियन ने अंग्रेजों से कहा, देखो फालतू की बात हमारे सामने तो करो मत, ऐसी बकचोदी तुम कहीं और जाके दिखाओ, और एक नारा शुरू कर दिया, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। अब ये दोनों इवेंट खत्म होने के बाद गांधी जी का छुट्टी भी खत्म होता है और गांधी जी वापस लग जाते हैं अपने मोर्चे पे। अब गांधी जी अपना एक नया प्लान लेके आता है। अब यार ये 2 महीने में पैसा डबल वाला प्लान नहीं बे। अब गांधी जी ने शुरू कर दिया साल्ट मार्च। अब ये क्या है? देखो गांधी जी को ये पता चल चुका था कि हमें पूरा देश को यूनाइट करना है तो हमें एक ऐसा चीज ढूंढना पड़ेगा जिससे कि सबको फर्क पड़े, और वो चीज और कुछ नहीं नमक यानी कि साल्ट था, जो कि यार हर एक इंसान का जरूरत है।
अबे यार बिना नमक के खाओगे कैसे, समझ रहे हो मेरी बात। बट यार प्रॉब्लम यह था कि अंग्रेज यार इसके ऊपर भी टैक्स लगा के रखे हुए थे, और यार नमक बनाने का पूरा ठेका इन अंग्रेजों ने लेके रखा हुआ था। गांधी जी को यार पसंद नहीं आया ये चीज, तो गांधी जी ने शुरू कर दिया साल्ट मार्च अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। अब ये लंबा मार्च शुरुआत तो होता है साबरमती आश्रम से और खत्म होता है डांडी के कोस्ट पे आके, जो कि लगभग 240 माइल्स का था। अब तुम सोच के देखो, कंटिन्यूअस 24 डेज चल के गए वो, और हर दिन में 10 माइल करके कंप्लीट किया। लाखों लोग इस मोमेंट में गांधी जी के साथ जुड़े, और ये जो तुम फोटो देख रहे हो ना, ये वो आइकॉनिक फोटो है जिसे पूरी दुनिया ने देखा। एक इंसान डंडा लेके चल पड़ा है एक ऐसे सफर पे, क्या बताऊं मैं भाई। और वो फाइनली 6 अप्रैल को डांडी पे पहुंचता है, और जाके सबसे पहला काम ये करता है कि वो नमक बनाता है, और जो ये अंग्रेज का कानून था इसका धजिया उड़ा देता है। और जैसे ही ये इवेंट होता है, इसी से शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत। अब देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सिंपल सा मतलब है कि अब यार हम ना सिर्फ बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों का जो कानून है इसे मानेंगे ही नहीं, समझ रहे हो। जितने भी आम लोग है वो सब डिसाइड कर चुके थे कि जैसे गांधी जी ने नहीं माना अंग्रेजों का नियम, वैसे हम भी नहीं मानेंगे, सीधा बात है। और देखो बात बहुत सिंपल सी है, इंडियन इस चीज के लिए जाने जाते हैं, हम यार कभी कानून को फॉलो ही नहीं करते सही से। गवर्नमेंट कानून के ऊपर कानून बनाते रहते हैं, और हम उन्हें तोड़ने का अलग अलग तरीका ढूंढ ही लेते हैं। तो एक सवाल अब उठता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने हमने सिर्फ अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दिया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने अंग्रेजों का कानून को मानना ही छोड़ दिया। ये है डिफरेंस, हमने सिर्फ साथ देना नहीं छोड़ा, हमने मानना भी छोड़ दिया उनका बात। देश के अलग अलग कोनों पे सबसे पहला तो साल्ट लॉ को तोड़ा, फिर वही शुरू होता है पुराना कहानी, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, दारू की दुकानों को बंद करो, और यार पीजेंस ने अंग्रेजों को टैक्स देना बंद कर दिया कि अब हम तुम्हें टैक्स भी नहीं देंगे, हम मानते ही नहीं तुम्हें, तुम कौन हो भाई। जितने भी गांव के पंचायत थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, और जो फॉरेस्ट में रहते हुए लोग थे वो भी यार बिंदास फॉरेस्ट के अंदर में चले गए। अंग्रेजों के लॉ था कि भाई फॉरेस्ट के अंदर में नहीं घुस सकते तुम लोग, ऐसा कुछ माना ही नहीं उन्होंने। अब इससे यार वो बैक बेंचर बच्चों का याद मुझे आ रहा है, जिन्हें यार फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या हो रहा है, उनका यार अपना ही बकचोदी चल रहा होता है, टीचर पढ़ा रहे होते आगे, और वो यार तब गजब है भाई, बैक बेंचर्स का लाइफ ना औसम है भाई, सही में बता रहा हूँ। अब मुझे लगता ना यार जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबके सब बैक बेंचर्स ही है, क्या लगता है मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। मुझे तो लगता है भाई, क्योंकि खुद भी मैं यार बैक बेंचर ही हूँ। अब एक मिनट रुको यार, यहाँ गांधी जी ने फिर गड़बड़ कर दिया, अच्छा वाला मोमेंट तो चल रहा था यार, इसे भी बंद करवा दिया। क्या यार बीबी, ये गांधी जी को क्या हो जाता है, मतलब अच्छा वाला मोमेंट चल रहा होता है फिर वो बंद करवा देते हैं मोमेंट को, ऐसा क्यों यार, अब फिर से क्या हो गया। पहले यार सत्याग्रह मोमेंट चल रहा था रोलेक्ट एक्ट को लेके, वहां भी उन्होंने ऐसा किया, फिर यार नॉन कोऑपरेशन मोमेंट चल रहा था वहां भी उन्होंने ऐसा किया, अब यार सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट चल रहा था, और यार ये तो अच्छा वाला चल रहा था, लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, इसे क्यों बंद करवा दिया यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बीबी, तुम्हें बता दो। देख भाई शांत हो जा तू, पहले ठीक सांस ले ले थोड़ा, सांस ले ले, लंबा सांस ले ले दो बार, बढ़िया। अब यार शांत से बैठ, मैं बता रहा हूँ क्यों उन्होंने ऐसा किया। देखो अंग्रेज सब देख के बहुत डर चुके थे, और वो जैसे भी चाहते थे कि इस मूवमेंट को बंद किया जाए, और इसके लिए उन्होंने जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया। और इसमें से एक सबसे बड़ा नाम आता है अब्दुल गाफिर खान, जो कि बहुत बड़ा फॉलोअर था गांधी जी का, उन्हें जेल में डाल देता है अप्रैल 1930 को, और उसके कुछ ही दिनों बाद गांधी जी को भी जेल में डाल दिया जाता है। और जैसे ही गांधी जी को जेल में डाला जाता है लोग यार गुस्से से पागल हो जाते हैं, और अब यार अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन आम लोग थे, मतलब कैसे तुमने गांधी जी को जेल में डाला, इतना वायलेंस होता है कि एक समय तो ऐसा था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब इस चीज का गुस्सा अंग्रेजों ने जो पीसफुल सत्याग्रही थे, मतलब जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे जैसे कि वुमेन्स चाइल्ड, इन्हें बुरी तरीके से मारा और जेल में डाल दिया। अब देखो ये सब चीज देखे गांधी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और गांधी जी ने फाइनली इस मोमेंट को भी बंद कर दिया। देखो एक बड़ा इंसान जब कोई डिसीजन लेता है
तो कोई सोच समझ के ही लेता होगा, तो उसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उनके डिसीजन पे सवाल उठाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मोमेंट चला इनमें किन किन लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। तो पहले बात करते हैं रिच पीजेंट्स के बारे में। तो देखो, रिच पीजेंट्स ने भरपूर साथ दिया गांधी जी का। उनके लिए स्वराज का मतलब इतना था कि जो इतना हाई रेवेन्यू उनसे चार्ज किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा ना हो। और जो हमारे पुअर पीजेंट्स थे उनके लिए इस मोमेंट का मतलब था कि हमें रेंट पे ना करना पड़े। अब तुम सोच रहे हो कि रेंट किसे देते थे वो? तो देते थे वो रिच पीजेंट्स यानी कि जमींदार्स को, फिर वो जमींदार अंग्रेज को दे देते थे वो पैसा, बट उन्हें देना ही नहीं था पैसा। बट कांग्रेस इस चीज का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कांग्रेस सपोर्ट कर रहे थे जमींदार रिच पीजेंट्स का, तो कैसे पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट कर सकते थे? क्योंकि पुअर पीजेंट्स तो जमींदार और रिच पीजेंट्स के खिलाफ थे ना, तो कांग्रेस ने पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट इतना नहीं किया। फिर बात करते हैं बिजनेस क्लास का। तो देखो, बिजनेस क्लास के लिए स्वराज का मतलब था वो आजादी के साथ अपना बिजनेस पूरे कंट्री में कर पाए, क्योंकि लंबे समय से उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। वो चाहते थे कि जो बाहर के जो गुड्स है इंडिया में आके उनका मार्केट खराब ना कर दे। तो अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का, तो उन्होंने इस मोमेंट में पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं किया सिवाय नागपुर रीजन के, क्योंकि यार कांग्रेस मेनली सपोर्ट करता था इंडस्ट्रीज लोगों को और ये वर्किंग क्लास इससे खुश नहीं था। तो जितने लोगों ने भी सपोर्ट किया उनका मेन एम ये था कि हमें जो इतना कम वेज मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए और हमारा वर्किंग कंडीशन भी इम्प्रूव होना चाहिए। अब हमने बात कर लिया किन किन तरह के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनका क्या क्या डिमांड था। अब हम बात कर लेते हैं कि ये मोमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, इसका क्या क्या लिमिटेशंस था। तो देखो, इस मोमेंट में दलित लोगों का पार्टिसिपेशन ना के बराबर था, क्योंकि कांग्रेस यार दलित लोगों को इग्नोर कर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि जो बड़े बड़े हिंदू कम्युनिटीज थे वो दलित को पसंद नहीं करते थे। और दूसरा, कांग्रेस हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के साथ काफी क्लोज थे, जैसे कि हिंदू महासभा। अब इससे यार जितने भी मुस्लिम लोग थे ना वो खुश नहीं थे और उन्होंने सीधा पार्टिसिपेट ही नहीं किया इसमें, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस तो यार हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, हमें तो पूछ ही नहीं रहा है। उसके बाद देखो, गांधी जी ने ना सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट को एक बार के लिए बंद कर दिया था, बट फिर 1932 में फिर इसे स्टार्ट किया। बट इस बार रिच पीजेंट्स ने इस पर पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि यार अगला बार उन्होंने इतना एक्सपेक्टेशन रखा था गांधी जी ने और अचानक से उन्होंने मोमेंट बंद कर दिया, तो इससे वो नाराज थे। और एक चीज, गांधी जी यार इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम लोगों को बताया थोड़ा पहले कि वर्किंग क्लास जो कि लेबर क्लास के लोग थे ना इंडस्ट्रीज में जो काम करते थे वो लोग यार इससे बहुत नाराज थे और उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो तुम देख रहे हो एक कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के कारण दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली बात यह है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं था जिसके कारण ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब बात करते हैं पूना पैक्ट 1932 के बारे में, या फिर तुम कह सकते हो इससे कि दलित का कितना पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट में। अब यार ये दोनों ही टॉपिक को मैंने कंबाइन करके यहाँ नोट्स बना दिया है जिससे कि तुम्हें परेशानी नहीं होगी, और इन दोनों में से कोई आ जाए तो इन 5 पॉइंट को लिख देना, मार्क तुम्हें बराबर मिलने वाला है। तो देखो, तुम्हें पता था कांग्रेस यार इग्नोर करता था दलित लोगों को, बट गांधी जी यार दलित लोगों को बहुत पसंद करते थे, वो तो उन्हें हरिजन कहते थे, मतलब यार भगवान के बच्चे। बट यार फिर भी दलित लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट में पार्टिसिपेट इतना नहीं किया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे दलित लोगों को, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जो कि बना था 1930 को, और इनका डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट का। अब देखो, गांधी जी का मानना यह था कि अगर दलित लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए ना, तो इससे यार हमारा देश का जो यूनिटी है ये खत्म हो जाएगा। और उन्होंने अनशन पे बैठ गया कि अब मुझे खाना होना कुछ नहीं खाना है, मैं यार भूखा रहूंगा जब तक नहीं मर जाता, अगर दोबारा बी आर अम्बेडकर ने इस बात को दोहराया। तो फाइनली यार दोनों मान गए और एक कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए ये कहा गया गांधी जी के द्वारा कि चलो हम तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं देंगे बट रिजर्व सीट देंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, देखो अगर सेपरेट इलेक्टोरेट देते तो वहाँ सिर्फ दलित लोग ही वोट कर सकते थे, बट रिजर्व सीट्स में ना क्या होता है वहाँ सब लोग वोट दे सकते हैं बट वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व है दलित लोगों के लिए, समझ रहे हो। देखो बहुत हमने मेहनत किया और फाइनली हम इस चैप्टर का अंत पे आ चुके हैं जो कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के बारे में है, कि जो आपस में एक
भाईचारा का जो फीलिंग है ना वो कैसे जगता है। देखो मोमेंट किया हमने इतने बड़े बड़े, जिससे ऑब्वियस सा बात है हम लोगों के बीच एक यूनिटी तो आया, बट इसके अलावा कल्चर का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे देश की यूनिटी पे। और इसमें सबसे पहला है अपने देश को हमने इमेजिन करने के लिए भारत माता का इमेज बनाया, जो कि दिया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और साथ ही साथ हमने नेशनलिज्म के भावनाओं को जगाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर और नतीसा शास्त्री के फोकलोर्स, यानी कि जो पुराने कहानी, संगीत, पोएम्स, इनका भी काफ़ी इस्तेमाल किया। और साथ ही साथ हमने हमारा फ्लैग बनाया। ऑब्वियस सा बात है, एक कंट्री बन रहा है तो उसका फ्लैग भी तो होना जरूरी है। जैसे यार देखो, हमें काफ़ी प्राउड फील होता है अपने फ्लैग को देखते हुए। और यार ये चीज़ हमारे साथ नहीं है सिर्फ, हर कंट्री के लोगों को उनका फ्लैग देख के प्राउड फील होता है। और साथ ही साथ नेशनलिज्म का जो फीलिंग है इसे बढ़ाने के लिए हमने अपना एंशिएंट हिस्ट्री का भी काफ़ी इस्तेमाल किया, क्योंकि यार देखो अंग्रेज हमारे अंदर में ऐसा सोच डाल के गए थे, देखो तुम लोग तो यार गुलाम थे, तुम लोगों का जिंदगी यार झंड था, बट ऐसा कुछ था नहीं, हमारा डीप एंशिएंट हिस्ट्री है। कभी यार समय मिले तो मैं भी तुम्हें डिटेल में बताऊंगा उनके ऊपर। हमारा एंसेस्ट्री ना महान लोगों से भरा हुआ है, जो कि इस एनसीईआरटी के किताब में भी नहीं दिया हुआ है। इसके लिए तुम्हें खुद मेहनत करना पड़ेगा और खुद रिसर्च करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है तुम लोग कर लोगे अगर दिल से चाहते हो तो। अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे तुम जान पाओगे कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम कौन हो भाई, तुम अपना ट्रू आइडेंटिटी को समझ पाओगे, जैसे यार मैंने भी समझा अपना। तो जब यार बात आता है पैसे का, तो मैं बस ये सोच रहा था कि अगर पैसे होते ना अपने पास तो यार सीधा फ्लिपकार्ट खोलता और एक प्यारी सी लॉयल क्यूट गर्लफ्रेंड ऑर्डर कर देता भाई। बट क्या करें यार, पैसे की कमी बहुत है, और इसी पैसे की कमी को दूर करने के लिए सोचा इस चैप्टर को पढ़ लो और शायद तुम लोग भी इससे कुछ सीख जाओ। तो आओ यार देखते हैं। तो की हालचाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बड़े होते होंगे। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट के ऊपर। तो यार हमारा पहला जो टॉपिक है वो है मनी। बट रुको यार, इससे पहले कि तुम समझो मनी क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है बार्टर सिस्टम, इसे समझ लो। देखो यार, जब मनी नहीं हुआ करता था तब ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जहाँ यार हम क्या करते थे, सामान के बदले सामान दिया करते थे। सपोज यार मुझे कुछ चाहिए होगा, तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा, तो यार क्या करेंगे हम, तुम मुझे दे देना और मैं तुम्हें दे दूंगा अपना सामान, बस हो गया। यह पैसे का कोई यूज़ ही नहीं है, देख रहे हो तुम। बट यार बार्टर सिस्टम के अंदर में एक प्रॉब्लम था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन का। अब ये है क्या, मतलब देखो अगर मुझे कोई चीज़ बेचना होगा तो तुम्हें भी वो चीज़ खरीदना ही होगा। बट देखो हमेशा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मुझे जो चीज़ बेचना है वो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तो इसके वजह से यार प्रॉब्लम हो जाता है बार्टर सिस्टम के अंदर में। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लाया मनी, जहाँ यार अब हम क्या करेंगे, कोई सामान चाहिए उसके बदले पैसा दे दो और सामान ले लो, सिंपल। बट पहले क्या होता था, सामान के बदले सामान ही देना होता था। तो अब यार सीरियस हो जाओ थोड़ा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देख लो, मनी कैसे ये जो प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन का इसे सॉल्व करता है। तो देखो तुम्हें पता है बार्टर सिस्टम के अंदर में ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन का प्रॉब्लम रहता है। तो यार हमने क्या किया, मनी का इंट्रोडक्शन किया जो कि एज ए इंटरमीडियरी काम करेगा। मतलब अगर तुम्हें कोई सामान वान खरीदना होगा तो तुम क्या करो, पैसे दे दो मुझे सीधा और इसके बदले में तुम सामान लेके जाओ और मुझे जो खरीदना होगा मैं उसी पैसे से खरीद लूँगा। तो अगर मैं तुम्हें पूछूँ पैसा कैसे दिखता है भाई, तो तुम मुझे बताओगे कि ऐसा दिखता है हरा पीला लाल, जब से मोदी जी आए भाई ऐसा ही दिखता है। तो शायद तुम पूरी तरह से सही ना हो भाई। देखो पहले समय पर यार मनी यार गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में दिखता था, बट आज के समय पर जो मॉडर्न मनी है वो यार तीन तरीके का होता है। एक होता है करेंसी, जिसके अंदर में यार कागज़ का जो ये नोट होता है, इसके अलावा जो सिक्के वक्के होते हैं वो भी आ जाता है। उसके बाद दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट, ये बेसिकली क्या होता है, जो हमारा पैसा हम बैंक में जाके जमा करते हैं और जिसे जब हमें चाहिए होगा हम निकाल सकते हैं, इसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। समझ रहे हो ना बात, जब मुझे ज़रूरत है माने जब मेरा डिमांड होगा मैं उसे निकाल लूँगा, तो नाम रख दिया इसलिए डिमांड डिपॉजिट। इसके अलावा तीसरा होता है चेक। अब देखो ये बेसिकली क्या होता है, RBI के द्वारा बैंक्स को एक इंस्ट्रक्शन जारी किया जाता है कि देखो तुम्हें क्या करना है, पैसे को ट्रांसफ़र करना है एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में इस कागज़ के टुकड़े को देखते हुए, जिसका नाम देंगे हम चेक, जहां में तुम्हें दो चीज़ मिलेगा, पहला उस इंसान का नाम जिसके नाम पे ये चेक इशू है और दूसरा वो इंसान जिसको ये पैसा ट्रांसफ़र करना है, बस इतना ही है चेक। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, चलो यार बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था और हमने मनी लेके आया उसके बदले, बट मनी को ही क्यों एक्सेप्ट किया जाए, ऐसा क्या चीज़ खास है मनी पे,
अच्छा सवाल है यार, तो इसका जवाब भी सुन लो फिर। पहला देखो, मनी को कंट्रोल करता हमारा गवर्नमेंट, और दूसरा मनी को इशू करता है यानी कि प्रिंट करता है RBI यानी कि सेंट्रल बैंक। अब देखो, जब किसी को इतना बड़ा सपोर्ट होना गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल बैंक का भी, तो तुम उस चीज़ को कैसे मना कर सकते हो। इसीलिए इंडिया के अंदर तो भाई ये कानून बना हुआ है कि तुम जो इंडियन करेंसी है इसे तुम मना बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे परचून के दुकान में बैठने वाले अंकल लोग होते हैं ना, जो थोड़ा सा फटा हुआ नोट भी लेने से मना कर देते हैं, भाई उन्हें प्यार से समझाओ, भाई साहब देखो ऐसा है, अगर तुमने इसे नहीं लिया ना तो तुम्हारे ऊपर केस भी बन सकता है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। बट यार सही में बताओ तो उन लोगों से बात करके कोई फ़ायदा होगा नहीं, मानने वाले कहाँ है हमारे बात। तो तुम क्या करना है यार, जो तुम्हारे नोट के ऊपर में जो एक सीरियल नंबर होता है ना, वो अगर दिख रहा है तो तुम उसे बैंक में लेके जाके डिपॉजिट कर सकते हो, वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो नंबर नहीं दिख रहा है तब वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई गेस ऐसा होगा नहीं। तो यार इस चैप्टर के अंदर में मनी के बारे में बस इतना ही था। अब यार बढ़ते क्रेडिट के ऊपर। तो क्रेडिट यानी लोन, इसे समझने के लिए तुम्हें तीन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। पहला डिपॉजिटर, वो इंसान जो पैसे को बैंक में डिपॉजिट करता है। दूसरा बोरोअर, जो उस पैसे को उधारी पे लेता है। और तीसरा लेंडर, जो उस पैसे को उधारी पे देता है, जैसे कि यार बैंक्स। अब इतना समझने के बाद क्रेडिट का डेफिनेशन जान लो। क्रेडिट यानी उधारी एक तरीके का एग्रीमेंट हो सकता है, जहाँ लेंडर यानी कि बैंक कुछ पैसा देगा बोरोअर को, जिसके बदले में जो बोरोअर होगा वो एक टाइम मांगेगा 2-3 साल कि मैं 2-3 साल के अंदर में तुम्हारा पैसा जो है सूद समेत लौटा दूंगा। तो दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट, समझ गए। अब सवाल उठता है, बैंक के पास जो हम इतना पैसा रखते हैं जाके, अंधा पैसा रखते हैं भाई, रखते कि नहीं रखते, सब रखते हैं, तो इन पैसे का बैंक करता क्या है। तो देखो, बैंक जो है जितना भी डिपॉजिट हम जमा करते हैं उसमें से कुछ अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट अपने पास रखता है, जिससे कि वो अपना डे टू डे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करता है। यानी कि जब मैं और तुम बैंक में जाके पैसा मांगेंगे तो वही पैसा वो हमारे हाथों पे थमा देगा। इंडिया के अंदर में बैंक क्या करता है, टोटल डिपॉजिट में से सिर्फ और सिर्फ 15% अपने हाथ पे रखता है, और बाकी का जो 70% मेजॉरिटी अमाउंट होता है वो लोगों को लोन दे देता है, और जिस पे वो चार्ज करते हैं हाई इंटरेस्ट, और इसी से उनका कमाई हो जाता है, और जो ये कमाई होता है उसमें से कुछ अमाउंट वो हमें भी देते हैं एज ए इंटरेस्ट पेमेंट, जो हम पैसा उनके पास रखते हैं उस पे। इससे क्या होता है, देखो तीनों का फायदा होता है। एज ए बोरोअर मुझे पैसा चाहिए था, मुझे मिल गया, और एज ए डिपॉजिटर मेरा पैसा बैंक में सेफ भी है और मुझे कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसके ऊपर, और एज ए बैंक तो मुझे फायदा ही फायदा हो रहा है, समझ रहे हो, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ मैं। तो अब तुम बताओ मुझे, क्या यार उधारी लेना सही है या गलत है। देखो अगर तुम मुझे पूछोगे ना तो यार मुझे लगता सही है। भाई साहब जब अपने क्रश से मिलने जाता हूँ ना तो ये उधारी काम आता है, मतलब डेट पे जा रहा हो तो ऑब्वियस सा बात है, समझ रहे हो तुम लोग, एक्सपेंसेस रहता है उसके लिए, बस अपने पास पैसा तो होता नहीं है भाई, तो यार उधारी से काम चलाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से यार उधारी सही चीज़ है, बट यार मेरे से थोड़ी दुनिया चलता है, प्रैक्टिकली देख लो कि उधारी लेना सही है या नहीं है। तो देखो पहला तो पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट, यानी उधारी लेने का फ़ायदा क्या क्या होता है। तो अगर तुम उधारी लेते हो और तुम पैसा चुका देते हो ना टाइम पे, तो ये अच्छा चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ में एक सलीम नाम का एक शू मेकर होता है, जिसे यार कुछ पैसे का जरूरी है क्योंकि उसे बहुत ही लंबा ऑर्डर आया हुआ है शू का, जो कि अगर वो पूरा कर देता तो उसे अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा, बट उसके पास उतना पैसा अभी नहीं है। तो वो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है और लार्ज अमाउंट पे शू बनाता है और फिर ऑर्डर दे देता है और उसे पैसा मिल जाता है, फिर वो बैंक का पैसा चुका देता है। तो देखो उसके लिए फ़ायदा ही हुआ लोन लेने का। अब यार एक दूसरा केस लेते हैं, नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट, जहाँ यार क्या होगा, अगर तुम पैसा चुका नहीं पाते हो तो तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम बन सकता है, अच्छा खासा सीन क्रिएट हो सकता है भाई, जहाँ हमें एग्जाम्पल भी देखने मिलता है किताब के अंदर ही, सपना का, जिसे भी यार लोन चाहिए था तो उसने लोन ले लिया, बट उसका फसल यार जिस हिसाब से वो उगाना चाहता था वो वैसा नहीं उगता है और उसे लॉस होने लगता है, तो वो चुका भी नहीं पाता लोन, और इस समय वो गिरता है डेब्ट ट्रैप पे। ये इकोनॉमी का एक टर्मोलॉजी है, जिसका मतलब क्या समझो, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ तुमने जो उधारी लिया है वो तुम किसी भी तरीके से चुका नहीं पा रहे हो क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। तुम एक लोन का कर्जा चुकाने के लिए फिर दूसरा लोन ले रहे हो, यहाँ तक कि अपना ज़मीन भी बेच दे रहे हो, फिर भी अपना लोन को तुम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुम एक फंदे में फंस गए हो भाई, उधारी का फंदा। और जो इंडिया में मैक्सिमम फार्मर सुसाइड करते हैं ना, ये इसी प्रॉब्लम की वजह से करता है। तो दुख की बात है, बट है तो है। बट आई गेस अब तुम्हें समझ में आया होगा
क्योंकि वो फार्मर्स हमारे यहाँ सुसाइड करता है। अब अगला टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब यार देखो, कुछ दिनों तक जब मैं स्कूल नहीं जाता था ना, तो यार नोट्स वोट्स लेने के लिए जब दोस्तों से मांगता था तो ऐसा मना करते थे जैसे यार जैसे मैंने उनसे नोट्स नहीं उनका जायदाद ही मांग लिया हो। फिर उसी समय मेरा हराम खोर बेस्ट फ्रेंड मेरे पास आता था और कहने लगेगा तू मुझसे ले ले यार नोट्स, प्रॉब्लम क्या है। बट ऐसा नहीं है भाई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साले का नोट्स लूँगा ना तो 10 कंडीशन डाल देगा उस पर कि तुझे नोट चाहिए तो ले ले, इसके बदले में शाम को चाट समोसा और पता नहीं क्या क्या खिला दे। इससे चूतिया बात कुछ हो नहीं सकती। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन तुम जब उधारी लेते हो यानी कि क्रेडिट लेते हो तुम्हारे ऊपर भी बैंक लगाता है। जैसे कि यार तुम अगर बैंक से लोन लेते हो तो तुम्हें एक इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन का भी जरूरत होगा, और तीसरा मोड ऑफ रीपेमेंट यानी कि तुम पैसा मुझे कितने दिनों में दोगे, और आखिरी कोलेटरल। इन सब को मिला के कहते हैं हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अभी कोलेटरल क्या है? देखो एज ए बोरोअर मैं अगर जा रहा हूँ लोन लेने के लिए तो मुझे कुछ सामान ना गिरवी रखना पड़ता है। तो जो सामान होता है मेरा उसे मैं कह सकता हूँ एसेट, जैसे कि बिल्डिंग, कार, जमीन, कुछ भी कह लो तुम, जिसे मुझे लेंडर यानी बैंक के पास गिरवी रखना होता है। तो अगर मैं बैंक का कर्जा नहीं चुका पाया तो बैंक मेरे सामान को बेच के अपना जो भी हिसाब किताब है वो पक्का कर लेगा। समझ रहे हो बात? अब देखो तुम इतने टेक्निकल टर्म पे मत जाओ, एकदम देसी लैंग्वेज में समझो। यार जब तुम किसी उधारी लेने जाते हो तो तुम्हें कुछ गिरवी रखना होता है, तो उसी को हम कहते हैं अंग्रेजी में कोलेटरल। साले ये अंग्रेज ना हर चीज़ में हमें कन्फ्यूज ही करके चले जाते हैं, मतलब कुछ आसानी से बता नहीं सकते सालो तुम। अरे बहन चोद पागल है, बना लो चूतिया, हमें ही बना लो चूतिया, हम ही तो है चूतिया। ठीक है बना लो यार। अब देखो यार उधारी भी दो तरीके का होता है। अगर तुम बैंक वैंक से जाके उधारी लोगे ना तो उसे तुम कह सकते हो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। वहीं पे अगर तुम अपने हरामी दोस्तों से जाके उधारी लोगे ना तो उसे तुम कह सकते हो इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। अब एग्जाम में ना इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो देख लो। जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट होता है उसे कंट्रोल करता है RBI, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को कोई कंट्रोल करता नहीं है। इसके वजह से क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स नहीं होता और वो हाई होता है, और जबकि फॉर्मल सेक्टर पे इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है और कम होता है, क्योंकि उसे RBI कंट्रोल करता है। और देखो RBI ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो और लोग उस कर्जे को चुका ना पाए और फिर कर्जे पे डूब जाए। बट एक प्रॉब्लम है फॉर्मल सेक्टर के साथ, अगर तुम्हें फॉर्मल लोन चाहिए तो इसके लिए तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंटेशन और कोलेटरल जमा करना पड़ता है, और यही चीज़ तुम्हें इनफॉर्मल सेक्टर पे नहीं करना होता है। आसानी से तुम्हें लोन मिल जाएगा, तुम बस मांगो जाके, भाई साहब हमें लोन दे दीजिए। दे तो देगा भाई, पर इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा ना भाई, तुम्हारे गांडे फट जाएंगे। तो इसीलिए यार जो 90% जो फॉर्मल सेक्टर का लोन होता है ना वो अमीर लोग ही लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोलेटरल होता है, और गरीबों के पास क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है, तो वो फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते। तो वो कहा जाता है 85% जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाता है वो गरीबों के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि वह आसान सा बात है, कोलेटरल चाहिए नहीं, तुम्हें जाके बस अपना मुंह उठा के मांग लेना है, पैसा मिल जाएगा। तो एग्जांपल का बात तो मैंने बता ही दिया है कि फॉर्मल सेक्टर का एग्जांपल मिल जाएगा तुम्हें बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, और इनफॉर्मल सेक्टर का एग्जांपल है मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड ब्ला ब्ला, समझ गए हो तुम। अब एक सवाल उठता है, अगर तुम्हें CBSE पूछ दिया कि बताओ गरीब लोग यार इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर इतना डिपेंड क्यों रहते हैं उधारी के लिए, तो तुम यार आसानी से बता सकते हो कि यार देखो गरीब लोग यार पढ़े लिखे नहीं होते, दूसरा चीज़ यार उनके पास उतना कोलेटरल होता नहीं है जिससे कि वो जाके बैंक से लोन ले सकते हैं, तो उन्हें मजबूरन जाके इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है। और आखिरी चीज़ भाई, इंडिया जैसे कंट्री में हर जगह बैंक नहीं पाया जाता है, तो तुम कैसे जाके फॉर्मल सेक्टर से लोन लोगे? तो मजबूरन उन्हें जमींदारों के पास जाना पड़ता है, अमीर लैंडलॉर्ड्स के पास जाना पड़ता है, जो कि उनसे हाई रेट चार्ज करते हैं, जो कि बहुत ही बुरा है भाई। ठीक है, तो आखिरी टॉपिक पे बढ़ते हैं अब, जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक ऐसा आइडिया जिसे पहली बार बांग्लादेश के अंदर में अडॉप्ट किया गया था स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ये जो तुम्हें पूरा आइडिया दिखेगा ना सेल्फ हेल्प ग्रुप का, यहाँ में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वुमेन्स का, स्पेशली बोलूँ तो गांव के रूरल एरियाज के वुमेन्स का। देखो क्या होता है, 15 से लेकर 20 मेंबर्स होता है इस ग्रुप में, जो कि आपस में क्या करते हैं 25 से लेकर 100 रुपीज़ के आसपास हर महीना ही सेव करता है। अब इस पैसे का क्या करता है, उनके ही ग्रुप में से कोई एक मेंबर जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसे का, उसे वो लोन पे दे देता है, और काफ़ी लो इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिससे कि जो भी लेता है लोन उसके लिए फ़ायदा ही रहता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है। और क्या होता है, देखो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो आपस में ही पैसा को जमा करके एक दूसरे में ही मतलब उधारी उधारी बांट रहा होता है, जब ऐसा ही कुछ एक साल दो साल चला लेता है ना, जब बैंक्स को लगता है कि नहीं ये लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं
इन ग्रुप्स को एलिजिबल कर देते हैं कि देखो यार तुम अपने से तो सेविंग कर रहे हो ठीक है, हमसे भी आगे पैसा लेके तुम अपने में बांट सकते हो, मतलब एक तरीके से वो लोन ले सकते हैं बैंक से। तो यार कभी कभी ना एग्ज़ाम में एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी पूछ दिया जाता है कि इसका एडवांटेजेस क्या क्या है। तो मैंने सबसे पहले बताया कि इससे यार वुमेंस को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसके अलावा ये लोग यार इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम चार्ज करते हैं। और आखिरी चीज़, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वुमेंस को, जहाँ वो अपने आवाज़ को रख सकता है। जैसे कि यार कहीं पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कोई फूड या हेल्थ का इशू आ रहा है ठीक है, कोई न्यूट्रिशन रिलेटेड, तो इसे भी जाके वो वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई गेस मैंने चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। कोई भी डाउट होता तो यार इंस्टाग्राम पे आ जाना, पूछ लेना, रहता ही हमेशा एक्टिव, और कमेंट सेक्शन तो है ही तुम लोगों के लिए। तो यार ठीक है, थैंक यू, लव यू। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमें तो अपनों ने लूटा घरों में, कहां तुम था, बंदी भी ऐसी मिली जिसके अंदर गुस्सा ज्यादा दिमाग का। क्या बात है, क्या बात है। तो की हालचाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बड़े होते होगे। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 इकोनॉमिक्स के आखिरी चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी पे। और तुम लोगों को तो पता ही हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है रादर देन हार्ड वर्क। तो आओ करते इस चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम वो लियोनार्डो द विंची के पर्व होते। देखो अपना स्कूल लाइफ यार सेट था, पार्टी के नाम पे अपने को चाहिए होता था बिरयानी, और मीठे के नाम पे जलेबी, तीखे के नाम पे पानी पूरी, लाइफ सेट था। बट जैसे ही पहुंचा कॉलेज, भाई साहब जो कॉलेज के कूल लौंडे होते हैं ना, इन्हें देख के अब भाई को भी बनना था कूल लौंडा। और इसी चक्कर में ऐसे ऐसे चीज़ें किया, क्या बताए, जो इंसान बुद्ध बाजार से खरीद के 350 वाले कपड़े पहनता था, उसने यार ब्रांडेड कपड़े पहनने शुरू कर दिए। और खाने के नाम पे अब चाहिए उसे पिज्ज़ा बर्गर, देख रहे हो बदलाव, देख रहे हो लौंडे के अंदर में। तो अगर तुम सोच रहे हो अब कि इस लौंडे के अंदर में इतना बदलाव आया कैसे, तो ये सारी चीज़ें हुआ है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। देखो ना होता ग्लोबलाइजेशन तो आज ये लौंडा समोसे चाट पे ही खुश रहता, बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन बाहर के कंपनीज इंडिया में आके पिज्ज़ा बर्गर बेच रहे हैं, और इन्हीं कंपनीज को हम कहते हैं MNCs। तो यार यही शुरू होता है हमारा पहला टॉपिक, MNCs तो हम पढ़ेंगे आगे, बट MNCs या ग्लोबलाइजेशन से पहले हमारा कंट्री कैसा था वो जान लेते हैं। अब बिल्कुल मेरी तरह इंडिया का भी सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हमें जो भी चीज़ें बनाना होता था हम देश के अंदर ही बनाते थे, बाहर के कंट्रीज से रिलेशन के नाम पे बस हम ट्रेड करते थे। ट्रेड भी किस चीज़ का, हम उन्हें देते थे कच्चा सामान, और जो सामान हमारे कंट्री पे नहीं बनता था वो सामान बाहर से हम मंगाते थे। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन, जिसे लाता है ये MNCs। अब ये MNCs है क्या, जिसने लोगों की ज़िंदगी पे इतना बसर मचा के रखा हुआ है, देखते हैं। MNCs यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ऐसे कंपनीज जो किसी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है, ये जाके अपना फैक्ट्रीज कहीं भी खोल देंगे। इन्हें बस दो चीज़ से मतलब है, वहाँ चीज़ें सस्ता होना चाहिए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, बस दो चीज़ें होना है, प्रॉफिट और चीज़ें सस्ता, भाई बक के चले जाएंगे और वही खोल देंगे अपना फैक्ट्रीज। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। अब जैसे बात करते हैं आईफोन का, है तो ये अमेरिकन कंपनी, बट ये भक्के जाते हैं चाइना पे अपने चीज़ों को बनवाने के लिए, क्यों, वहाँ पे चीज़ें सस्ते पड़ते हैं। तो आईफोन का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वो होता है चाइना पे, और फिर ये आते हैं इंडिया, वियतनाम, मैक्सिको जैसे कंट्रीज पे चीज़ों को असेंबलिंग करने, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है तो उन्हें मिलेगा प्रॉफिट, तो यहाँ आके असेंबलिंग करके बेच देते सामान। मतलब यार इन सिंपल एंड शॉर्ट में बताओ तो MNCs यार हमारे टिपिकल इंडियन मम्मीज की तरह होती है, भाई साहब जहाँ सस्ता दिखेगा ना वही दौड़ देंगे। बस मुझे याद एक बार सब्जी लेने गया था, वो दिन और आज का दिन, भाई साहब मुझे और कभी नहीं जाना मम्मी के साथ मार्केट, जो बेइज्जती होता है ना भाई साहब, हम तो सीधे साधे लौंडे, जितना पैसा मांगते दे देते, बट नहीं मेरी मम्मी World War III शुरू कर देगी, ऐसा कुछ है सब्जी वालों के साथ भाई साहब, समझ रहे हो, मतलब भाई साहब ये जो टीवी में कहते हैं ना World War III होगा इसके वजह से उसके वजह से, नहीं यार World War III होगा सब्जी के दाम के वजह से। खैर यार अब इस पॉइंट पे आके तुम MNCs क्या होता है वो तो जान गए, अब सवाल ही उठता है कि MNCs तुम्हारे कंट्री पे आके फैक्ट्रीज अपना कब लगवाएगा। तो देखो जब तुम्हारे कंट्री पे मिलेगा चीप लेबर, और दूसरा, और यार फैक्ट्रीज मार्केट के पास हो, ऐसा नहीं
कि भाई साहब गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई साहब वो हिमालय पर्वत में काफ़ी जगह खाली पड़ा हुआ है, जाके वही खोल लीजिए अपना फैक्ट्री, यहाँ तो जगह नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं होता भाई। फिर तीसरा चीज़, जब भी MNCs इंडिया में आए तो उन्हें गवर्नमेंट बहुत ही प्यार से दुलारे से, भाई साहब आइए यहाँ फैक्ट्रीज खोलिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए होगा हम देंगे, ऐसा पॉलिसीज लाना पड़ेगा, तब MNCs हमारे कंट्रीज पे आएगा। अब यहाँ तक आ गए, गुड। अब आगे बस हमें दो चीज़ जानना है और ये चैप्टर 2 मिनट की मैगी की तरह खत्म। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। शुरुआत करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। देखो, जब फॉरेन कंपनीज यानी कि मैं बात कर रहा हूँ MNCs का, इंडिया में आके अपना फैक्ट्रीज लगाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग पे अपना ऑफिसेज बनाते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यही जो इन्वेस्टमेंट MNCs के द्वारा करा जा रहा है इसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इतना क्लियर है? अब देखो, MNCs इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 तरीके से, और यही 3 तरीके को हमारे CBSE वाले चचा तुम्हें घुमा के इस तरीके से दे देंगे कि तुम हो जाओगे कन्फ्यूजन। ये 4 क्वेश्चन जिसका जवाब एक ही हो सकता है, वो जवाब क्या है देखते हैं। पहला तरीका MNCs के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने का, हमारे लोकल कंपनीज के साथ MNCs पार्टनरशिप कर लेंगे, जिन्हें हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्शन। देखो, इससे ना MNCs को तो फ़ायदा होता ही होता है, साथ ही साथ हमारे जो लोकल कंपनीज है इन्हें भी फ़ायदा होता है। इन्हें मिलता है बहुत ज़्यादा पैसा और साथ ही साथ मिलता है इन्हें नए टेक्नोलॉजीज। और दूसरा तरीका, MNCs क्या करते हैं, सीधा जो इंडिया में बैठे हुए लोकल कंपनी से उन्हें खरीद लेते हैं। अब मैं एग्जांपल का बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट है तो वैसे एक इंडियन कंपनी, बट 2018 को US का एक बहुत ही बड़ा जायंट कंपनी आता है जिसका नाम है वॉलमार्ट। ये फ्लिपकार्ट को खरीद लेता है 16 बिलियन में और फ्लिपकार्ट के अंदर में 82% का मालिक बन जाता है। मतलब तुम अब कह सकते हो कि फ्लिपकार्ट कहीं ना कहीं अब वॉलमार्ट का ही है। और तीसरा तरीका, MNCs क्या करते हैं, जो छोटे छोटे लोकल कंपनी से ना इन्हें ऑर्डर देते हैं कि भाई तू हमारे लिए चीज़ों को बना, और जब ये सामान लोकल कंपनीज बनाते हैं तो उन सामानों पे अपना ब्रांड का थप्पा डाल के ये यार बिकवा देते हैं मार्केट पे। बेफिजुल में भागते हुए रेस के घोड़े, अब हम समझते हैं फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फॉरेन ट्रेड यानी कि जब हम दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, हम उनसे कुछ मंगा रहे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इम्पोर्ट, और हम उन्हें कुछ बेच रहे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सपोर्ट। यही तो होता है फॉरेन ट्रेड, जो कि हमने ज्योग्राफी के चैप्टर पे देख भी लिया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें समझना है फॉरेन ट्रेड का क्या एडवांटेजेस होता है। और यही जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे CBSE वाले घुमा के दे देगा कि फॉरेन ट्रेड से मार्केट का इंटीग्रेशन या फिर इंटरकनेक्शन कैसे होता है। तो दोनों एक ही चीज़ है। देखो, जब होता है फॉरेन ट्रेड यानी कि जब हम फॉरेनर के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जाने ही अनजाने में हमने अपना मार्केट को उनके मार्केट के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसी चीज़ को कहता है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट ड्यू टू फॉरेन ट्रेड। समझ गए? अब देखो, उसे क्या फ़ायदा होता है वो देखते हैं। जब होता है फॉरेन ट्रेड, इससे हमारे डोमेस्टिक कंपनीज़ को या फिर तुम कह लो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एक मौका मिलता है कि हमारा जो सामान है, जो हम आज कंट्री में बेच रहे हैं, अब हम जाके दुनिया भर के कंट्रीज में बेचेंगे। दूसरा बात, जो हमारा कंज्यूमर होता है इसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है फॉरेन ट्रेड से। इसके पास इतने चॉइसेस आते हैं जो पहले नहीं थे। तुम सोच के देखो बस, आज अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता तो तुम्हारे हाथ में जो ये चाइनीज़ फ़ोन है ना, ये भी नहीं होता। बट यार, वो दिन भी आने वाले जब सच में चाइनीज़ फ़ोन इंडिया मार्केट से चले जाएंगे। आई होप सो ऐसा ही हो। और जो तीसरा चीज़ है, जब होता है फॉरेन ट्रेड, इसमें दो कंट्रीज, हमारा कंट्री और बाहर के कंट्रीज में एक हेल्दी कंपटीशन होता है। देखो, मैंने यह वर्ड का इस्तेमाल किया, हेल्दी कंपटीशन। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कंपटीशन के वजह से हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, बट जब हेल्दी कंपटीशन होता है ना, तब दोनों ही कंट्रीज को फायदा होता है। अब तुमने ये दो कॉन्सेप्ट समझ लिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। अब ये दोनों से ही कंट्रीज एक दूसरे के साथ इकट्ठा मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज, और तुम सादा भाषा में कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन। वैसे ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा डेफिनेशन ये है, तुम ग्लोबलाइजेशन को कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बहुत ही जल्दी रैपिड इंटीग्रेशन या फिर रैपिड इंटरकनेक्शन होता है कंट्रीज के बीच। और ग्लोबलाइजेशन होता है किसके वजह से? MNCs के वजह से। अगर ना होता MNCs तो ना होता ग्लोबलाइजेशन। तो जो हमारे लिए काम का चीज़ है यहाँ, वो है क्या वो फैक्टर्स है जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ। हमने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया,
हमने कुछ इस तरीके के कंटेनर्स बनाए, रेफ्रिजरेटर ट्रक्स बनाए जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए ले लो यूएसए का पोर्क, यानी कि तुम सुअर का मीट समझते हो। हाँ, तो यूएसए का पोर्क मीट इंडिया में सेल होता है क्या नॉर्थ ईस्ट पे। लिटरली एक कच्चा मीट इतना दूर से इंडिया में आके सेल हो रहा है, कैसे? ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दैट्स इट। दूसरा चीज, हमने अपने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया है। हमने टेलीकॉम सेक्टर पे जियो, एयरटेल और टीवी है, कंप्यूटर है हमारे पास, फ़ोन है, इन सब चीज़ों ने ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी प्रमोट किया है। और आखिरी चीज़, हमारा गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और फॉरेन ट्रेड को। क्या होता है, क्या तुमने कभी सुना नहीं? सही में ये तो प्रॉब्लम है। फिर सुनो, दो मिनट लूंगा इसके लिए। तो देखो, लिबरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा गवर्नमेंट जितने भी ट्रेड बैरियर्स और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है इन्हें हटा देता है। अब तुम सोच रहे हो कि ये ट्रेड बैरियर क्या है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है क्या? देखो, जब हमारा गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंपनीज से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जैसे कि देखो इस समय इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है चाइनीज कंपनीज के साथ, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, फॉरेन कंपनीज का बिजनेसेस को रोकने के लिए कुछ इस तरीके से पॉलिसीज बना सकता है जिससे कि वो कंपनीज इंडिया के अंदर में बिजनेसेस ना कर पाए। और ये जो पॉलिसी बना रहा है गवर्नमेंट, इसी को हम कहते हैं ट्रेड बैरियर या फिर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। अब इसके अंदर में होता क्या है, बेसिकली जो भी सामान बाहर से आ रहा है उन सामानों के ऊपर हम इतना टैक्स लगाते हैं कि वो सामान इंडिया में बिकने लायक रहता ही नहीं है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। तो ये जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस या ट्रेड बैरियर्स है, इसे जब हटा दिया जाता है ना, तब हम उसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। अब हमें लिबरलाइजेशन तो नहीं जानना है सिर्फ, हमें जानना है कि लिबरलाइजेशन और इंडिया का हिस्ट्री क्या रहा है। तो देखो, आज़ादी के बाद हमने ना चाहते हुए भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड के ऊपर ट्रेड बैरियर्स या फिर कह लो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाया, क्योंकि उस समय हमारा ये मजबूरी था। हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे वो फॉरेन कंपटीशन को झेल नहीं पाते। वो एक ऐसा दौर था 1950 से 60s का एरा, जहाँ नए नए इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर में बस बन ही रहे थे। अब अगर यहीं पे आके फॉरेन कंपनीज इन्हें टक्कर देने लगे तो ये कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो गवर्नमेंट ने ना चाहते हुए भी फॉरेन कंपनीज को इंडियन मार्केट का एक्सेस नहीं दिया। हमने बस जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होते हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, उन चीज़ों को बाहर से मंगवाया, जैसे कि मशीनरीज, पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर्स। ये इंडिया के अंदर में नहीं बनता था तो हमने वो बाहर से मंगाना शुरू किया। बट इन 1991 के बाद चीज़ें बदलने वाले थे। अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई साहब, और कितना प्रोटेक्ट करेंगे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, अब समय आ चुका है कि हमें बाहर की कंपनीज़ को भी इंडियन मार्केट पर जगह देना ही पड़ेगा। और ये जो सिचुएशन है, इसी को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। समझ गए, जब हमने बाहर के कंपनीज को भी बुलाया कि भाई साहब आइए हमारे यहाँ कीजिए व्यापार। बट देखो, ये जो लिबरलाइजेशन का आइडिया है ना इंडिया के दिमाग पे, इसे भरा है WTO ने। जब तक हमने लिबरलाइजेशन का पॉलिसी को एडॉप्ट नहीं किया, WTO चिल्लाते रह गया कि भाई साहब अपने कंट्री को तुम कब करोगे लिबरलाइज, कब करोगे? दिन रात भाई साहब एक ही सवाल, जैसे यार हमारे साथ होता है ना बोर्ड एग्जाम के समय पे, यार फोन चला लो, मम्मी कहेगी बेटा पढ़ ले इस साल बोर्ड से दे रहा। दोस्तों से बात करोगे, वही बात, बेटा पढ़ ले इस साल बोर्ड आने वाले। टीवी देख लो, सेम बात, पढ़ ले इस साल बेटा बोर्ड आने वाले। यहाँ तक तो ठीक था, पढ़ने के बाद जो तुम ब्रेक लोगे ना, यहाँ भी कहने लगेगा बेटा पढ़ ले इस साल बोर्ड आने वाले। भाई साहब, कोई इन्हें समझाओ कि स्टडी ब्रेक क्या होता है। नहीं मतलब, कभी सुना है तुमने ये बात? 2 घंटे से पढ़ रहा था रूम के अंदर, 2 मिनट के लिए बाहर आया और तुमने वही शुरू कर दिया जिसे तुम पूरे साल भर से सुना रहे हो। जैसे मुझे पता ही नहीं है कि बोर्ड्स आने वाले हैं इस साल, बोर्ड्स है, हाँ पता है हमें। खैर छोड़ो यार ये सब, बढ़ते टॉपिक की ओर। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि ये जो लिबरलाइजेशन का आइडिया है, ये WTO चिल्ला के हम पे पहुंचा रहा था कि भाई साहब लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट कर लो। हमने कर लिया। तो अगर एग्जाम पे WTO के बारे में कुछ लिखने आ जाए ना, तो ये 3 पॉइंट लिख के आना कि WTO
जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जिंदगी में एक ही मकसद है, ये पैदा ही इसलिए हुआ है कि लोगों को चिल्ला चिल्ला के ये कह पाए कि बेटा परले इस साल बोर्ड्स आने वाले हैं। मतलब ये नहीं, नहीं मतलब बेटा जितना हो सके इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज कर ले। और ये लिबरलाइजेशन करने के लिए WTO ने कुछ नियम कानून बना के रखा हुआ है कि भाई साहब अगर तुम्हें लिबरलाइज करना है तो तुम्हें ये चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। और इस समय करेंटली WTO के अंदर में 164 मेंबर कंट्रीज है। यहाँ तक ठीक था, बट क्या तुम्हें पता है हम लोग का जो ये WTO है ये बहुत ही बड़ा एक हिपोक्रेट है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखो ये हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को तो बहुत कहता है कि बेटा लिबरलाइज कर ले अपने इकोनॉमी को, जितना हो सके बाहर के कंपनीज को अपने कंट्री पे ट्रेड करने दे। बट ये कभी डेवलप कंट्रीज को ये नहीं कहता कि बेटा ये डेवलपिंग कंट्रीज को अपने कंट्री पे ट्रेड करने दे। देख रहे हो इतना हिपोक्रेसी। अब बहुत हो गया भाई, अब बहुत हो गया, अब थोड़ा रिवाइंड चलते हैं। कहाँ हम पढ़ रहे थे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, उसके अंदर में हम घुस गए लिबरलाइजेशन के ऊपर, फिर उसी लिबरलाइजेशन के अंदर में हमने WTO को भी देखा। बट अभी समय है कि वापस चले ग्लोबलाइजेशन की ओर। देखो मैंने तुम्हें समझा दिया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है, अब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या होता है इंडिया के अंदर में ये देखते हैं, जहाँ हमें देखना है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेज से याद आया, एडवांटेज लेना तो मेरे दोस्तों से कोई सीखे। देखो ट्यूशन पे एक लड़की थी, बहुत ही सुंदर थी भाई, बहुत, जिसे मैं बस कुछ दिनों से तार ही रहा था। मेरा दोस्त आता है मेरे पास और कहता है कि ये कौन है यार, तो मैं बताता हूँ इसका नाम है ज्योति। ये कौन से स्कूल में पढ़ती है? अरे ये हमारे स्कूल में तो पढ़ती है, नई नई आई है, सेक्शन डी। हाँ अबे तेरे पास इसका व्हाट्सअप नंबर है क्या? अबे नहीं यार वो व्हाट्सअप नहीं करती, ऐसे वैसे लड़की नहीं है। हाँ उसका फेसबुक आईडी है मेरे पास, तो तू ऐसा कर ये मुझे दे दे। अब यहीं पे तुम्हारे भाई ने किया गलती, फेसबुक आईडी दे दिया और दो हफ्ते बाद पता चलता है कि उस लड़की को सारे ने पटा लिया। अब ये दुख की बात नहीं है, ये तो ओके है भाई, स्केल है भाई साहब, पटा लिया क्या बात करें। दुख की बात ये है कि उस लौंडिया को 6 महीने से हम बस तार रहे थे और अपने अंदर भी बस मोटिवेशन ला रहे थे कि भाई साहब एक बार बात कर लेंगे, बस हम बस तारते रह गए। क्या बताया, अब इन्हें छोड़ते हुए एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का इन इंडिया। तो देखो जैसे मेरा दोस्त यार माहिर था एडवांटेज उठाने में दूसरों से, स्पेशली मेरे जैसे बुद्धू लड़के से, तो ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाया यहाँ पे कंज्यूमर्स ने, MNCs ने और इंडिया के जो बड़े बड़े कंपनीज थे इन्होंने। और जिन लोगों को ग्लोबलाइजेशन का डिसएडवांटेज होता है, बिल्कुल मेरे ही तरह जिसका कट गया था भाई साहब, तो यहाँ में ग्लोबलाइजेशन से कटता है जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर या कंपनीज है उनका। देखो वर्कर्स के साथ तो भयंकर डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे स्मार्ट वर्क, इसे इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि किसी ने सोची नहीं होगी भाई, समझ रहे हो बात। अगर तुम्हें एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखने कहा जाए तो तुम अलग अलग लिखना, बट अगर तुम्हें कहा जाए कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के ऊपर, तब यार तुम क्या करना, इस डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस को कंबाइन करके बनाना 5 पॉइंट जो कि मैं तुम्हें यहाँ लिखा रहा हूँ। और अगर सेपरेटली कहा जाए तो इन्हें सेपरेट कर देना, बन जाएगा। देखो पहले बात करते हैं 3 एडवांटेजेस का। कंज्यूमर्स, इनके साथ तो बहुत ही फायदा होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इनके पास इतना चॉइस आता है मार्केट पे कि सामान खरीदने जाते एक और कंफ्यूज हो जाते कि भाई कौन सा खरीदी, ये भी मस्त है, ले तो ले कौन सा, मतलब भाई साहब चॉइस बहुत ज़्यादा है इनके पास। साथ ही साथ क्योंकि इतना इंटरनेशनल कंपटीशन है तो इन्हें चीज़ें सस्ता भी मिलता है। देख रहे हो यार डबल बेनिफिट है यार, एक तो चॉइस बहुत बढ़ गया इनका और दूसरा चीज़ें यार सस्ते है। फिर बात करते हैं MNCs। देखो MNCs ने जितना हो सके उतना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर में, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इंडिया में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे हमें फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट है, इतना पॉपुलेशन है, तुम कोई भी सामान इंडिया के अंदर में बनाओ और बेचो तुम्हें फ़ायदा ही होगा, मतलब लॉसेस का तो सवाल ही नहीं उठता भाई, इतना पॉपुलेशन है, तुम बस बनाओ कहीं ना कहीं ये बिके जाएगा। तो यह MNCs के लिए तो फ़ायदा था ही था। साथ ही साथ जो इंडिया के बड़े बड़े कंपनीज, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ टाटा, इन्फोसिस, एशियन पेंट, ये वो कंपनीज थे जिसने ग्लोबलाइजेशन से इतना फ़ायदा उठाया कि ये खुद ही MNCs बन गए।
अब तुम्हें ये कंपनी सिर्फ इंडिया पे नहीं मिलेगा, अलग अलग कंट्रीज लाइक अफ्रीका, साउथ एशिया, हर एक कंट्री पे तुम्हें ये कंपनीज दिखेंगे, क्योंकि अब ये बन चुके हैं MNCs ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। बट जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन से सबको फ़ायदा तो हुआ नहीं है, जो स्मॉल बिजनेसेस है ये यार ग्लोबलाइजेशन से जो एक टफ कंपटीशन होता है ये नहीं झेल पाए, और अनफॉर्चुनेटली इन्हें अपना बिजनेसेस को बंद करना पड़ा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन कंपनीज और जो ये बड़े बड़े कंपनीज इतना टफ कंपटीशन दे रहे थे कि ये छोटे कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाए मार्केट पे। और उसके बाद जो हमारा वर्कर्स का कंडीशन है ये तो बदतर था भाई, बहुत ही गंदा। ना था इनके पास जॉब सिक्योरिटी, घंटों तक काम करवाया जाता था और सैलरी बहुत ही कम। ये सारी चीज़ें इसलिए हो पा रहा था क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो MNCs और जो बड़े बड़े इंडियन कंपनीज को लेबर लॉस पे फ्लेक्सिबिलिटी दिया था। अब तुम पूछोगे ये लेबर लॉस क्या होता है, गुड क्वेश्चन। अबे यार मुझे भी पता नहीं क्या होता है फ्लेक्सिबल लेबर लॉस, क्या होता है बे, रुको यार गूगल करके बताता हूँ, एक मिनट। अब मिल गया मुझे, अब देखो क्या होता है। जब गवर्नमेंट MNCs या बड़े बड़े जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इन्हें इंडिया पे अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई साहब आप ना इंडिया पे आके इन्वेस्टमेंट करो, आप ना इंडिया पे आके अपना फैक्ट्रीज खोलो, हम आपको आप जो मांगोगे वो देंगे। और इसी चक्कर पे गवर्नमेंट ने खोला स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब ये क्या है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया के अंदर में कुछ ऐसे जगह को चुना जहाँ तुम्हें मिलेगा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, चाहे तुम बात करो इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे तुम बात करो वाटर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा। अब यहाँ जो बड़े बड़े MNCs या जो इंडियन कंपनीज भी है वो अगर आके यहाँ फैक्ट्रीज खोलते हैं तो उन्हें 5 साल तक कोई टैक्स देना नहीं है, देख रहे हो, टैक्स तक नहीं ले रहे कि आके फैक्ट्रीज खोलो। और साथ ही साथ इन एरियाज में लेबर लॉस को पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, यानी कि इन एरियाज में जब फैक्ट्रीज खुलेगा वहाँ में जो लोग काम करेंगे ना उनका जॉब रेगुलर होगा नहीं होगा इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई सवाल नहीं उठाएगा, और ना ही उनका वर्किंग आवर्स फिक्स होगा। अगर इन कंपनीज को लाएगी इन्हें 20 घंटा 24 घंटा काम कराना चाहिए तो हम कराएंगे, गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं कह सकते, और हमें जितना प्राइजेस देना होगा हम उसके हिसाब से देंगे, यहाँ गवर्नमेंट का कुछ नहीं चलेगा। तो इसी सीन को कहते हैं फ्लेक्सिबल लेबर लॉस, जहाँ जो लेबर को लेके जो कानून बने हुए ना उन चीज़ों का पालन नहीं किया जाता है, यह कंपनीज अपने हिसाब से चलते हैं इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे। अब इससे देखो फ़ायदा भी है, जो हमने ये मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया है ना, जहाँ हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर की जितने भी कंपनीज है उन्हें कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है इंडिया पे आओ, इंडिया पे आके प्रोडक्शन करो, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, बस तुम्हें एक चीज़ करना है जो भी बनाना है हमारे कंट्री पे आके बनाओ। तो देखो ये अच्छा भी है और बुरा भी है, तुम यार डायरेक्टली इसे डिस्करेज भी नहीं कर सकते, बट जो लेबर्स के साथ जो गलत चीज़ हो रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो यार देखो ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए कि ना कंपनीज को लॉसेस हो ना इन लोगों को और जो छोटे छोटे कंपनीज है इन्हें भी प्रॉब्लम झेलना पड़े, गवर्नमेंट कुछ इस तरीके का स्टेप ले सकता है कि यार जो भी हो रहा है वो सही हो और यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन हो, जहाँ पे क्या होगा विन विन सिचुएशन होगा। देखो कैसे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कुछ इस तरीके से लेबर लॉस को बनाए कि ये लेबर लॉस लेबर के लिए बने हुए हो, ना कि इन लेबर लॉस को इस तरीके से फ्लेक्सिबल कर दिया जाए कि मल्टीनेशनल कंपनीज लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन करे और जो भी लेबर लॉस बनाया गया है उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे, पहला चीज़ जहाँ हम लेबर के ऊपर ध्यान देंगे। दूसरा चीज़, जो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स या स्मॉल बिजनेसेस होते हैं इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्हें सपोर्ट करने के लिए हमें ट्रेड बैरियर्स को लगाना जरूरी है, क्योंकि छोटे कंपनीज को अगर बचाना है तो बड़े बड़े जो फॉरेन कंपनीज है इन्हें रोकना पड़ेगा एक हद तक। और आखिरी चीज़, हमारा गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ये जो WTO के अंदर में डेवलप कंट्रीज मनमानी करके अपने हिसाब से इसे चला रहे हैं, इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितने भी अदर डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ मिलके लड़ सकते हैं डेवलप कंट्रीज़ के खिलाफ कि देखो WTO के अंदर में चाहे वो डेवलप कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो दोनों का ही बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, अगर तुम हमारे कंट्री पे आकर ट्रेड करते हो तो हमें भी बराबर का अपॉर्चुनिटी दो तुम्हारे कंट्री में जाकर ट्रेड करने का, नहीं तो कुछ ऐसा होगा कि तुम तो हमारा फ़ायदा उठाओगे
बट हम तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएंगे, जिससे कि यार लॉस तो अल्टीमेटली हमें ही होगा। तो यही बात था यार इस चैप्टर पे। जब से यार पैदा हुआ हूँ तब से एक ही सवाल यार दिमाग पे चल रहा है कि आजादी के बाद हमने डेमोक्रेसी को ही क्यों चुना। चाइना जैसे कोई सिस्टम चुन लेते आज हम सुपर पावर होते। सोचा यार इस सवाल के साथ बचपन तो बीत ही गया है, अब जवानी ना बर्बाद हो जाए। तो गया एक बौछे हुए बकचोद बाबा के पास और अपना प्रॉब्लम बताया। तो उन्होंने दो चीज करने कहा, पहला यार मेरे पास सांडे का तेल लेके आओ और दूसरा हिमालय पर्वत में जाके 15 दिन तक मुर्गियां जला के खाओ। मैंने किया और सरप्राइजिंगली मुझे सवाल का जवाब मिल गया आखिर। तो सुनो, हमने डेमोक्रेसी को इसलिए चुना क्योंकि ये देता है हम लोगों के बीच इक्वालिटी, हमें देता है एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जो हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, और हम जो भी डिसीजन लेंगे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। और मान लो मेरे और तुम्हारे बीच कोई कन्फ्लिक्ट होता है इन फ्यूचर, तो इसे भी आसानी से रिजॉल्व करा जा सकता है। और आखिरी डेमोक्रेसी अपना ही डिसीजन को करेक्ट कर सकता है कैसे? मान लो मैंने एक ऐसे इंसान को वोट दिया जो कि बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था, हो जाता यार इंसानों से गलती, तो मैं अगले इलेक्शन में इस गलती को सुधार सकता हूँ। और इसी बीच देखो यार, दुनिया के अंदर में दो तरीके का सोच आता है डेमोक्रेसी को लेके। कुछ लोग तो ऐसे थे जो डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो डेमोक्रेसी से बहुत नाराज थे, नाखुश थे। और इन लोगों के बीच शुरू हुआ एक महाभारत, और अगर ये चलता ही रहता तो बहुत बुरा हो सकता था। तो इसीलिए दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट थे वो आए, इकट्ठा मिले, बहुत लंबा डिस्कशन चलता है और फाइनल कंक्लूजन में ये निकलता है कि भाई साहब अगर तुम डेमोक्रेसी को चुनते हो तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा। इस सवाल का जवाब हमने ढूंढ निकाला है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि अगर तुम चुनते हो डेमोक्रेसी तो तुम्हें क्या मिलेगा। बीबी शायद ना हलवा या बिरयानी मिल सकता है, हमें क्या कहते हो? नहीं, मैं यहाँ बिरयानी हलवा का बात नहीं कर रहा। अगर तुम चुनते हो डेमोक्रेसी को तो इसके तीन आउटकम्स है, पॉलिटिकल आउटकम्स, इकोनॉमिक आउटकम्स एंड सोशल आउटकम्स। देखो, पॉलिटिकली तुम्हें एक ऐसा गवर्नमेंट मिलेगा जो कि अकाउंटेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और लेजिटिमेट होगा। अब ये तीनों है क्या, थोड़ा आसान शब्दों में समझ लेते हैं। अकाउंटेबल गवर्नमेंट यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जो कोई भी डिसीजन लेता है वो लोगों को ध्यान में रख के ही लेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है उसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं, परख सकते हैं कि ये डिसीजन सही है या गलत है, और इसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। काश यही ट्रांसपेरेंसी हमारे एग्जाम पे होता। मतलब भाई मेरा लिख रहा है, उसने सही लिखा या गलत लिखा उसे मैं देखूंगा, अच्छा उसने सही लिखा तो मैं भी थोड़ा छाप लूंगा उससे। भाई साहब ट्रांसपेरेंसी ना, समझ रहे हो आप। फिर यार रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जो हमारे बातों को सुने, हमारा जो भी डिमांड है उसे सुने और उसे पूरा करे। बट इन प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी हमेशा हमारे डिमांड्स को इग्नोर करता है। फिर भी यार मैं तुम्हें कहूँगा कि डेमोक्रेसी को ही चुनना, एटलीस्ट ये नॉन डेमोक्रेसी से तो बेटर ही है। अगर नहीं भी सुनेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जाके, तब तो सुनेंगे ना। तुम यार नॉन डेमोक्रेसी में जाके प्रोटेस्ट करोगे ना, कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, तुम जो प्रोटेस्ट करने के लिए झंडा उठाओगे ना हाथ से, वो हाथी काट देंगे साले। फिर यार करते रहना प्रोटेस्ट। फिर यार लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट है उसे हम लोगों ने चुना है, हम लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया है। हाँ, ये हो सकता है कि इस गवर्नमेंट में लाखों बुराइयां हैं, ये स्लो है, ये इनइफेक्टिव है, ये हमेशा रिस्पॉन्सिव नहीं है, करप्टेड है, बट फिर भी हमारा है। जैसा भी है, जो भी है, हमारा है। हम जब चाहे इसे हटा सकते हैं, पूरा पावर हमारे हाथों पे है। अगर ये कोई राजा महाराजा होता या सऊदी अरेबिया जैसा सिस्टम चलता तो ये हमारे हाथों में नहीं होता। तो यार ये तो थे पॉलिटिकल आउटकम डेमोक्रेसी को चुनने के। अब देखते हैं कि अगर हम डेमोक्रेसी को चुनते हैं तो हमें इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा होता है। तो पहला चीज़ हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो देखो, ऐसा देखा गया है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, स्पेशली बोलो तो डिक्टेटरशिप में, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थोड़ा हाई देखा गया है क्योंकि वहाँ डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है और इकोनॉमी में सीन कुछ ऐसा है, अगर डिसीजन जल्दी लिया गया तो वो फ़ायदेमंद रहता है, और अगर डिसीजन लेने में थोड़ा भी देर हुआ जैसे कि डेमोक्रेसीज में अक्सर होता है तो इससे इकोनॉमी के लिए इतना फ़ायदा नहीं होता है। बट क्या हम डेमोक्रेसीज को छोड़ के नॉन डेमोक्रेसीज को इसलिए चॉइस करें क्योंकि यहाँ डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है? नहीं यार,
इकोनॉमिक ग्रोथ को सिर्फ एक फैक्टर नहीं नाप सकता है, मल्टीपल फैक्टर्स होता है, जैसे कि पॉपुलेशन, उस कंट्री में कितने रिसोर्सेस है, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके का है। इन चीज़ों को देखने के बाद मैं एक चीज़ तो तुम्हें कह सकता हूँ कि यार डेमोक्रेसी को चॉइस करो, क्योंकि हो सकता है ये डिसीजन स्लो लेता है, बट इसके कई सारे और फायदे, जो फायदे तुम्हें नॉन डेमोक्रेसी में नहीं मिलने वाला, सीधी बात है। फिर जो सवाल आता है कि क्या डेमोक्रेसी रिड्यूस कर सकता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, यानी कि जो हम लोगों के बीच गरीबी है, क्या इसे मिटा सकता है डेमोक्रेसी? तो देखो, डेमोक्रेसी बात करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी का, ये कहीं में भी बात नहीं करता है इकोनॉमिक इक्वालिटी का। हमें तो डेमोक्रेसी के अंदर सीधा सीधा देखने मिलता है, जो अमीर होते हैं ना वो और अमीर होते हैं, और जो गरीब होते हैं वो और गरीब होते हैं, ये डेमोक्रेसी पे देखने मिलता ही मिलता है, ये चीज़ किसी से छुपा नहीं है। फिर भी यार देखो, डेमोक्रेसी के अंदर में काफ़ी सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स, रिजर्वेशन दिया जाता है गरीबों के लिए, जिससे कि हम गरीबों को अपलिफ्ट कर सकते हैं। देखो, अगर अब तुमने दोनों ही इकोनॉमिक आउटकम्स को देखा, तो इससे हमें पता चल रहा है कि डेमोक्रेसी कुछ खास हमें दे नहीं रहा है इकोनॉमी के लिए एटलीस्ट। फिर भी डेमोक्रेसी को चुन लो, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें देखने मिलता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं सोशल आउटकम्स की ओर। तो सोशल आउटकम के अंदर में पहला है, डेमोक्रेसी एकोमोडेट करता है सोशल डाइवर्सिटी को, यानी कि देखो, जो सोसाइटी के बीच अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, लैंग्वेज के नाम पे हो, रेस के नाम पे हो, किसी भी तरीके के लोग हो, उन लोगों के बीच जो सोशल डिफरेंसेस है, ये डेमोक्रेसी नहीं मिटा सकता है, बट उन लोगों को एक साथ जरूर रख सकता है। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि डेमोक्रेसी, जो भी सोसाइटी के बीच एक टेंशन रहता है ना कि यार तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तो इस चीज़ों से तो एक टेंशन बनता है, ये चीज़ें रिड्यूस आसानी से करा जा सकता है। देखो, दुनिया में ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ परमानेंटली हमने ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच, इसे मिटा दिया हो, बट डेमोक्रेसी बेस्ट है इन सोशल डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने में। इसलिए तुम इंडिया के अंदर स्पेशली देख पाते हो कि अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जेंडर मिल के रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की वजह से। फिर भी देखो यार, अगर तुम्हें लोगों को एक साथ लेके चलना है, तो तुम्हें दो कंडीशन को डेमोक्रेसी के अंदर फुलफिल करना ही करना है। देखो, डेमोक्रेसी के कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि एक कंट्री को मेजॉरिटी लोग जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से चलाया जाएगा, नहीं यार, हमें माइनॉरिटीज़ को भी साथ में लेके एक जनरल व्यू पॉइंट को तैयार करना है, जो यार हर किसी की भलाई के लिए हो। फिर यार देखो, हाँ, डेमोक्रेसी बात करता है मेजॉरिटी रूल का, कि मेजॉरिटी जो सोचता है वैसा ही होगा, बट यहाँ मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, जैसे कि श्रीलंका में हमने देखा था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो मेजॉरिटी पे था उसके हिसाब से ही चल रहा था सब कुछ, नहीं, हम यहाँ बात करेंगे कि एक कंट्री के मेजॉरिटी लोगों का क्या चॉइस है। तुम एज ए इंडियन सोचो कि एज ए इंडियन हमारा क्या चॉइस है, ना कि एज ए मेजॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू या मुस्लिम जिनका क्या चॉइस है उसे, नहीं, एज ए इंडियन हमारा जो भी चॉइस है वो डेमोक्रेटिक चॉइस है, समझ गए? फिर यार सोशल आउटकम के अंदर में आखिरी, डेमोक्रेसी प्रमोट करता है लोगों के बीच डिग्निटी एंड फ्रीडम। अब डिग्निटी से याद आया यार, जब भी क्लास के अंदर में कोई चुतियापा कर रहा होता हूँ ना, और टीचर पकड़ लेता है, और पनिशमेंट देना तो ठीक था, पनिशमेंट नहीं यार, तुम्हें यार अपने ही मुँह से अपने ही चुतियापापंथी को बताने कहा जाता है पूरे क्लास को ना, तो भाई साहब सेल्फ रेस्पेक्ट करना कुछ रह नहीं जाता है, क्या ही बताएं। खैर, हमारा तो सेल्फ रेस्पेक्ट सर्फ एक्सेल की तरह धो के चला ही गया। हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी किस तरीके से लोगों का डिग्निटी और फ्रीडम को बचाता है, प्रमोट करता है। देखो, कहा यह जाता है कि डेमोक्रेसी काफ़ी सुपीरियर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से, क्योंकि तुम आज के समय कोई भी तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देख लो, वहाँ तुम्हें डिग्निटी एंड फ्रीडम इंडिविजुअल का कहीं देखने नहीं मिलता है, जबकि डेमोक्रेसी में ये दोनों चीज़ एकदम कोर आइडियाज है, इसके बिना तो डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकता भाई। जैसे हम बात कर लेते हैं वुमेन्स का, डेमोक्रेसी देता है उन्हें डिग्निटी, कैसे, उन्हें इक्वल राइट्स देता है सोसाइटी के अंदर में एज मैन, यानी कि जितना हक लड़कों के लिए है उतना हक लड़कियों के लिए भी होना चाहिए सोसाइटी में, जबकि ये चीज़ तुम्हें नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने नहीं मिलेगा। तुम यार एग्जांपल सऊदी अरेबिया का ले लो, पता है तुम्हें वुमेन्स का कंडीशन कैसा हुआ, बताने का कुछ है नहीं यार। फिर यार देखो, इंडिया के अंदर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का एक लंबा हिस्ट्री रहा है, मतलब भाई साहब भयंकर लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनके साथ,
मैं बात कर रहा हूँ एससी कम्युनिटीज़ के साथ। ये जो कास्ट है ना एससी, या फिर तुम एसटी भी ले लो यहीं पे, इन लोगों के साथ एक लंबा हिस्ट्री था डिस्क्रिमिनेशन का। अब इन चीज़ों को सुधारने के लिए हमारा डेमोक्रेसी इन लोगों को सोसाइटी के बीच इक्वल स्टेटस देता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि जो भी उनके साथ गलत हुआ इन द पास्ट इसे हम सुधार सके और उन्हें जो एवरेज इंडियन सोसाइटी है उनके साथ मिला के साथ लेके चल सके। क्योंकि हमने डेमोक्रेसी में पढ़ाई था कि इक्वालिटी प्रमोट करता है डेमोक्रेसी, समझ रहे हो बात। तो चाहे तुम हो या मैं, हम जो भी सोचते हैं करते हैं, यानी हमारा जो डिसीजन होता है, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है एक खास तरह के आइडियोलॉजी से, जिसे यार हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे डालता है ये पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में तो हालत इतना बुरा है कि 90% पॉपुलेशन जाने अनजाने में इन पॉलिटिकल पार्टीज का आइडियोलॉजी को ही फॉलो करता है। कुछ चुनिंदा 10% ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को समझता है और इन चीज़ों से दूर रहता है और कोशिश ये करता है कि एक अपना ओपिनियन बनाए, अपना थॉट प्रोसेस लाए और चीज़ों को जैसा है वैसे समझे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में देखना है और इनका आइडियोलॉजी को समझना है। और यार पता है तेरे भाई का तो सीन क्या रहेगा, जितना हो सकेगा यार रोस्ट करेंगे इन पार्टीज को। तो यार पेटी बांध लो अपना और कर दे अपना कार्यक्रम स्टार्ट। तो सबसे पहले यार ये पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है? एक ग्रुप जो इलेक्शन लड़ता है और कोशिश करता है गवर्नमेंट बनाने का, उसी को तुम कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टी। कोई हारता है कोई जीतता है वो अलग बात है, हर पार्टी का कोशिश ये रहता है कि चलो यार इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। फिर यार इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर में क्या क्या चीज़ें कॉमन देखा जाता है? तो इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर में तुम्हें तीन चीज़ें कॉमन दिखेगा। पहला, कुछ लीडर होगा जो कि पार्टी में क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना है वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद कुछ एक्टिव मेंबर होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, जिनका सिंपल सा काम ये रहता है जो भी पार्टी का आइडियोलॉजी है वो आम लोगों तक पहुँचाए और बताए कि देखो हमारा पार्टी ऐसा ऐसा चीज़ें तुम लोगों के लिए करना चाहता है, तो वोट यार हमें ही देना। और आखिर में यार फॉलोअर्स, समझ ही रहे हो, जो इस पार्टी को सपोर्ट करता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये पॉलिटिकल पार्टी करता क्या है, फंक्शन क्या है इनका? तो देखो पहला फंक्शन है इलेक्शन लड़ता है, सबको पता है। अब जब इलेक्शन लड़ेगा तो गवर्नमेंट भी बनाएगा, जहाँ वो कई तरह के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करता है आम लोगों के लिए, जिससे कि आम लोगों को मदद मिल सके। इसके अलावा यार पॉलिटिकल पार्टीज कानून भी बनाते हैं हम लोगों के लिए, ऑब्वियस सा बात है। और आखिरी चीज़ देखो, जो जीत गया जीत गया ठीक है, और जो हारा है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है एज ए ऑपोजिशन। क्योंकि देखो जो जीता है उसका गुंडागर्दी ना हो, इसके लिए हमें ज़रूरी है ऑपोजिशन का। अब देखो इसके बाद ये सवाल सब लोगों का फेवरेट है कि सही में हमें पॉलिटिकल पार्टीज का ज़रूरत है, अगर है तो क्यों है? तो जान लेते हैं। मान लो कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ना होते तो यार ये डेमोक्रेसी भी नहीं होता फिर। अब बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भाई चाहिए, देखो और भी रीज़न बता रहा हूँ। अब मान लो फिर से पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है, अब क्या होगा? जब इलेक्शन होगा तो जो भी इलेक्शन लड़ने आया हुआ कैंडिडेट होगा वो अपने लिए लड़ेगा इलेक्शन, इंडिपेंडेंटली। सेल्फिश होगा वो? होगा कि नहीं होगा बताओ? अपने लिए लड़ रहा है ना, इंडिपेंडेंट। अब इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? उस कैंडिडेट का बस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा जहाँ से उसने इलेक्शन लड़ा है, यानी कि उसके कंस्टिट्यूएंसी से। इसका मतलब यही होगा कि अगर कंट्री की भलाई के लिए कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा, सब लोग एक तरीके से नहीं सोचेगा, सब अपने अपने थॉट्स होगा और अपने अपने फ़ायदे के लिए सोचेगा। और आखिरी चीज़, जब इतना कुछ हो ही रहा होगा तो कौन यार कंट्री के बारे में सोचेगा, सब अपने बारे में सोचेंगे। तो बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़? चाहिए भाई, ज़रूरी है। और इसी से एक अगला सवाल, रोल ऑफ अपोजिशन। देखो इलेक्शन होने के बाद जो जीतता है वो तो पता है गवर्नमेंट बनाता है, 5 साल अपना सिक्योर कर लिया उसने, जो आम लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो जाता है अपोजिशन पार्टी के ऊपर। गवर्नमेंट सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सब का जिम्मेदारी होता है अपोजिशन पार्टी के ऊपर। देखो अपोजिशन पार्टी ना गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज होता है उसे क्रिटिसाइज कर सकता है, बट जेन्युइनली वो गलत होना पड़ेगा तब। ऐसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ भी किया और हम तो क्रिटिसाइज ही करेंगे, जैसे इस समय इंडिया में हो रहा है। गवर्नमेंट कुछ भी कर ले ऑपोजिशन यार क्रिटिसाइज ही करेगा, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डिसीजन यार पब्लिक के इंटरेस्ट पे, यानी कि आम लोगों के फायदे के लिए होता है, उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बट जहाँ तुम्हें दिखे कि यहाँ आम लोगों के साथ गलत हो रहा है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है,
तब तुम्हें आवाज उठाना है। यही पहचान होता है एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का। और यार हमें जरूरत है एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का। बात करो तो भाई साहब इंडिया का तो क्या ही बताए भाई। एक है हमारा राहुल गांधी, ऐसा मशीन बनाने का बात कर रहा है। एक तरफ से आलू घुसाओगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। बताओ यार। अब तुमने यार इतना तो समझ ही लिया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है और पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है। अब सवाल उठता है कंट्री के अंदर में कितने पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री में किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है। अब मैं अगर बात करूँ चाइना का, जहाँ वन पार्टी सिस्टम चलता है, वहाँ क्या होता है, एक ही पार्टी के हाथ में पूरा पावर होता है। और ऐसे जो सिस्टम होता है उसे तुम कह सकते हो ये एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है। फिर अगर हम बात करें यूके और यूएसए का, तो वहाँ चलता है टू पार्टी सिस्टम, जहाँ यार क्या होगा, दो पार्टीज ही होगा और दोनों ही कभी ये जीतेगा कभी वो जीतेगा। और देखो टू पार्टी सिस्टम का थोड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट होता है। 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट आ गया तो बस आ गया, अब अगला साल जब लोगों को ये पसंद नहीं आएगा तो दूसरे पार्टी को बना देगा। तो इस तरीके से एक्सचेंज करते रहते वो लोग। बट अगर मैं बात करूँ इंडिया जैसे कंट्रीज़ का, जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में कई सारे पार्टियाँ हैं और हर एक पार्टी का जीतने का चांसेस बराबर होता है। बराबर होता है बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब इतने सारे पार्टीज है तो लोग भी अलग अलग लोगों को वोट देते हैं, जिसके वजह से कंट्री के अंदर में कोई एक सिंगल पार्टी नहीं आता है जो कि देश को चला पाए। तो क्या होता है, जो भी पार्टीज होते हैं वो अलायंसेस फॉर्म करते हैं। तो यही भी एक कॉन्सेप्ट आता है कोलिजन गवर्नमेंट का। यहाँ में क्या होता है कि कई सारे पार्टीज होता है वो एक ग्रुप बना लेगा और फिर यही मिल के एक गवर्नमेंट बनाएगा। अब यहाँ जो है कंट्री के अंदर में इनस्टेबिलिटी बना रहता है, कोई एक पार्टी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पार्टीज एक साथ आके गवर्नमेंट बनाता है। और जब ऐसा होता है तो अगर मान लो कोई पार्टी को कोई डिसीजन पसंद नहीं आया और उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो साथ साथ गवर्नमेंट गिर जाएगा, जो कि एक कंट्री के लिए बहुत ही बुरा है। देखो इंडिया के साथ तो सीन कुछ ऐसा है जो हमारे नेहरू जी के समय पर था, तब इंडिया बहुत स्ट्रांग था क्योंकि एक ही सिंगल पार्टी हुआ करता था नेहरू जी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत ही पावरफुल भाई साहब, जो भी डिसीजन लेना होगा खुद ही लेंगे, कंट्री अच्छा चल रहा था उस समय। बट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पार्टी इमर्ज होता है और कोलिजन एरा शुरू होता है, जिसके बाद यार कंट्री कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहा था हमारा। बट फाइनली 2014 एक नया गवर्नमेंट चुन के आता है जिसके पास बहुत पावर था। अब यार क्या है कि हमें अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो हम आसानी से ले सकते हैं। अब फिर यार बात करते हैं इलेक्शन कमीशन का। अब इससे यार मेरा यार ठरकी प्रिंसिपल का याद आ गया मुझे। बताओ क्या कहे उनके बारे में। जब भी यार ऑफिस रूम में जाता था ना मैं कोई कांड करने के बाद, ऑब्वियस सा बात है, तो भाई साहब सेल्फ रेस्पेक्ट का ना माँ बहन हो जाता था। मतलब यार देखो अगर प्रिंसिपल ऑफिस में कोई लड़की गई ना तो उनके साथ तो भाई बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता था, बट वही भी अगर कोई लड़का गया ना भाई, उसका इज्जत क्या होता है भाई, सेल्फ रेस्पेक्ट नाम क्या चीज भाई, ये शब्द कहाँ से आया है भाई, नहीं होता भाई कोई ऐसा, सेल्फ रेस्पेक्ट नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता भाई, तुम कुत्ते हो। और भाई प्रिंसिपल ऑफिस में तुम्हारे साथ होना है घनघोर बेइज्जती, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और वही पे लड़कियों को पता नहीं इतने प्यार से क्यों समझाया जाता था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई साहब, देख लो भाई। अब लड़के हैं ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। खैर यार इलेक्शन कमीशन पे आते हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, बेसिकली कंट्री के अंदर में इलेक्शन करवाता है। तो जब इलेक्शन करवा रहा होता ना तो पार्टीज को वो क्लासीफाई करता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज पे, और एक क्राइटेरिया फिक्स करता है कि अगर तुम्हें नेशनल पार्टी बनना है तो तुम्हें ये चीज़ करना पड़ेगा, और अगर स्टेट पार्टी तो इसके लिए ये चीज़ है। अब ये क्या है देख लेते हैं। तो अगर तुम्हें नेशनल पार्टी बनना है तो एटलीस्ट 6% सीट्स तुम्हें जीतना पड़ेगा लोकसभा इलेक्शन पे, और अगर मान लो तुम्हारा किस्मत खराब रहता है तुम नहीं जीत पाते तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि चलो यार तुम 6% सीट्स लोकसभा में नहीं जीत पाए तो यार तुम्हें एटलीस्ट 4 स्टेट्स में तो 6% सीट्स जीतना ही पड़ेगा। तो ये है पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि तुम्हारा पार्टी एटलीस्ट 4 सीट तो जीते लोकसभा इलेक्शन में। अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो तुम्हें हम नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर देंगे, और अगर नहीं होता है ना तो भाई तुम बस 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 भोसड़ी का भाई, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक। फिर यार स्टेट पार्टी, जिसे यार हम रीजनल पार्टी भी कहते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है यार कहने में, तो तुम लोग भी यार रीजनल पार्टी कहना और आगे से मैं भी यही कहूँगा। तो जो रीजनल पार्टीज होता है उन्हें एटलीस्ट 6% वोट्स मिलना चाहिए अपने जो स्टेट इलेक्शन में, तब हम उन्हें कहेंगे ये है रीजनल पार्टी। इसके अलावा एटलीस्ट 2 सीट तो जीतो ही भाई इलेक्शन में, अगर एक भी सीट नहीं जीते तुम क्या के पार्टी भाई, बताओ।
तो खैर ये तो था पार्टीज के बारे में, जो कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेट पार्टी होगा कौन सा नेशनल पार्टी होगा। बट जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ना, वो है नेशनल पार्टीज। तो इंडिया के अंदर में टोटल 7 नेशनल पार्टीज है, तो इन सब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, 3 चीज़ें जान लो। जब भी तुम किसी पार्टी के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें इन 3 चीज़ों को लिख के आना है। पहला, उस पार्टी का सिंबल क्या है, वो पार्टी कब बना था और वो पार्टी किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। बस ये 3 चीज़ें तुम्हें याद रखना है और ये चैप्टर ख़त्म भाई, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में इसके अलावा। जैसे हम पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिन्हें हम कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं, जिनका यह सिंबल जो है हाथ है और ये बना था 1885 को, और ये पार्टी प्रमोट करता है सेकुलरिज्म को और वेलफेयर को, हम लोगों का भला करेंगे और रिलीजन को भी बराबर रेस्पेक्ट देंगे, ये है इस पार्टी का आइडियोलॉजी। इसके बाद इसी पार्टी से ना टूट के और एक पार्टी बनता है जिसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसका सिंबल है क्लॉक। ये पार्टी कांग्रेस से टूटता है 1999 को, और इस पार्टी का जो विचार है यानी कि आइडियोलॉजी जो है वो कुछ ऐसा है कि ये पार्टी प्रमोट करता है डेमोक्रेसी को और गांधीयन सेकुलरिज्म को। देखो सेकुलरिज्म अलग है, गांधीयन सेकुलरिज्म थोड़ा अलग है, इसके बारे में किसी और दिन हम बात करेंगे, बट आज के लिए इतना समझ लो। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, जिसका सिंबल यार लोटस है, ये बना था 1980 को। तो इस पार्टी का क्या मानना है, ये पार्टी प्रमोट करता है कल्चरल नेशनलिज्म को, सिंपली बोलूँ तो हिंदुत्व। अब यार तुम मुझे बताओ यार, ये हिंदुत्व क्या चीज़ होता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग इस टॉपिक पे कितना अंडरस्टैंडिंग है। पॉलिटिकल मुद्दा से मत बताना प्लीज़, ये न्यूज़ में देखते हुए चीज़ों को बिल्कुल मत बताना। बढ़ते हम अगले पार्टी की ओर, बहुजन समाज पार्टी, जिसका सिंबल है एलिफेंट, जो कि बना था 1948 को। और इसका जो मानना है कि देखो, जो बहुजन समाज है यानी कि दलित आदिवासी ओबीसी, इन लोगों को भी पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसलिए इस पार्टी को बनाया गया कि हम आवाज़ उठाएंगे इन बहुजन समाज के लिए। तुम ऐसे समझ लो यार, ये पार्टी बना था ये बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है, जो गरीब पिछड़े हुए, समझ रहे हो तुम बात। इसके बाद तुम लोगों को तो पता ही है, रशिया में रशियन रेवोल्यूशन के बाद आता है कम्युनिज्म, तो इसी से इंस्पायर्ड होके इंडिया में बनता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिनका सिंबल यार अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से है, ईयर्स ऑफ द कॉर्न एंड सिकल्स। हिंदी में बोलो तो यार, जो मक्के का वो कुछ होता है ना ऊपर वाला हिस्सा, इसके साथ साथ अजीब टाइप का चाकू होता है, कुछ होता है भाई, समझ रहे हो, जो कि बना था 1925 को। और इसका जो बिलीव है कि कम्युनिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी के ऊपर। अब देखो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये 1964 को टूट जाता है फिर, और एक नया पार्टी बनता है जिसका नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इनका जो सिंबल होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ में यार हैमर, सिकल्स और स्टार का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि ये पार्टी बनता है 1964 को CPI से अलग होके। अब इसके पीछे कहानी है कि कैसे ये अलग हुआ, तो 1962 में चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच जो वॉर, तो ये जो CPI है इसके अंदर में कुछ लोग यार चाइना को सपोर्ट कर रहे थे कि यार जो भी किया ना चाइना ने अटैक करके इंडिया पे, सही किया। तो इसके वजह से यार पार्टी के अंदर ही कुछ सीन क्रिएट होने लग गया, तो फिर बनता है हमारा ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो कि था प्रो चाइना उस समय। क्या ही बताएं इसके बारे में, इंडिया में रह के भाई साहब आप चाइना को सपोर्ट करो बहुत बढ़िया है, और आप फिर भी नेशनल पार्टी हो इंडिया का, बताओ चूतिए हम लोग हैं जो ऐसे पार्टी को वोट देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसके बाद बात करता हूँ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे हम TMC भी कहते हैं, जिसका सिंबल है फ्लावर और ग्रास, जो कि बना था 1998 को। इनका भी मानना वही है सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म के ऊपर। तो ये कुछ पार्टीज थे जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस है, जिसे तुम नेशनल पार्टीज कह सकते हो। इसके अलावा स्टेट पार्टीज है, जैसे कि यार शिवसेना देखो स्टेट पार्टी का बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा भी कई सारे पार्टीज है, तो ये काम मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, सीधा कमेंट पे जाओ और अपने स्टेट पे कौन सा रीजनल पार्टी है वो मुझे तुम बताओगे। अब अगला चीज़ यार कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनके अंदर में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, यानी तुम कह लो चैलेंजेस क्या क्या है। तो पहला देखो, ये पार्टीज़ कहते तो है कि हमारे बिना तो डेमोक्रेसी नहीं है, बट सच में बताओ तो इनके अंदर खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ ही लोग पूरा पार्टी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि किसी तरीके से भी डेमोक्रेसी का सिग्नल तो मुझे नहीं दे रहा। इसके बाद इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हमें देखने मिलता है डायनेस्टिक सक्सेशन। तुम कह लो यार जो ये नेपोटिज्म होता है ना, जहाँ क्या करते हैं हम,
अपने फैमिली मेंबर्स को ही डोमिनेट कराते हैं पार्टी में। जो भी पार्टी के अंदर में डिसीजन लिया जाएगा वो यार कुछ फैमिलीज के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। बुरा मत मानना यार, जैसे हमारा कांग्रेस जो है ना वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। इसके अलावा देखो यार, मनी और मसल पावर का भी इस्तेमाल इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी करते हैं, ये चीज़ सबको पता है। और आखिरी चीज़, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ये सारे के सारे पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं भाई साहब, सीधी बात है। मतलब देखो, तुम किसी पार्टी को इसलिए वोट दे रहे हो कि उस पार्टी की आइडियोलॉजी पे तुम्हें बिलीव है, बट मान लो कि वो इलेक्शन जीतने के लिए अपने आइडियोलॉजी को कहीं और छोड़ के बस पावर के पीछे भागता है, तो ये तो फिर क्या बात हुआ बताओ? तुम पब्लिक को चूतिया ही बना रहे हो। तो जो इतने सारे प्रॉब्लम्स है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में, इन सबको सुधारने के लिए इंडिया के अंदर में 3 रिफॉर्म्स लाया गया। पहला यार, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, जिसके अंदर में एक कानून लाया गया जिसका नाम था एंटी डिफेक्शन लॉ। इस कानून में सिंपली इतना लिखा था, अगर कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन जीतता एक पार्टी की तरफ से तो फिर वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। अब जब ये कानून भी काफ़ी नहीं था तो फिर सुप्रीम कोर्ट आता है हमारा। सुप्रीम कोर्ट कहता है यार चलो हम कुछ करते हैं कार्यक्रम, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एक अपना ऑर्डर लेके आता है कि आज से ये मैंडेटरी है सारे कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ना चाहता है कि तुम्हें एक एफिडेविट देना पड़ेगा जहाँ में तुम डिटेल बताओगे कि तुम्हारे पास कितना प्रॉपर्टीज़ है और तुम्हारे ऊपर कितने सारे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, ताकि लोगों को भी तो पता चले कि तुम कितने बड़े झंडू हो। वरना यार पोस्टर पे तो सभी कूल दिखते हैं, रियलिटी क्या है वो तो ऐसे ही पता चलेगा ना। और जब ये भी कम लग रहा था तो फिर हमारा इलेक्शन कमीशन आता है और कहता है हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। जब सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये कंपलसरी था कि वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही इलेक्शन करवाए, मतलब तुम कह सकते हो पार्टी के अंदर में एक तरीके का डेमोक्रेसी लाए और साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे, यानी कि कौन कितना कमाता है। भाई साहब वो चीज़ हमें आके दिखाओ, मतलब ऐसा ना हो कल तक तो तुम रहते थे बस भाड़े के घर पे और यार इलेक्शन जीतने के 5 साल बाद तुमने यार 100 बीघा जमीन खरीद लिया। अब देखो ये जो 3 रिफॉर्म्स है ये तो हमने किया, बट हमें और क्या क्या करना चाहिए। हमें यार एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस चीज़ को कंट्रोल कर पाए। इसके बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें ये कंपलसरी कर दे कि एटलीस्ट कुछ टिकट जो है वो वुमेन्स को भी दो। और आखिरी चीज़ देखो, इलेक्शन करवाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करता है, अंधा पैसा खर्चा करता है। अब ये पैसा आता कहाँ से है ये बस वही जानते हैं और हम भी जानते हैं यार, ऐसा नहीं है, सब जानते हैं हम, अंदर की बात है बट जानते हैं, चच्चा हमारे विधायक है भाई, सब पता है हमें। तो यार तुम्हें पता है कि जो भी होता है ये गलत है, ऐसा ना हो इसलिए यार कहा गया ऐसा कि गवर्नमेंट को एक ऐसा फंड तैयार करना चाहिए जो कि इलेक्शन में हर पार्टी को पैसा देगा कि भाई देखो तुम्हें इलेक्शन पे इतना ही रुपया खर्चा करना है। 1 रुपये पे अगर ज़्यादा खर्चा किया ना भाई तो फिर देख लेना, फिर जो करना है हम करेंगे फिर। तो आई गेस मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया भाई लोग, चैप्टर थोड़ा बोरिंग था, लेंदी भी था, बट था तो था, अब क्या कर सकते हैं। लगता है ये मुझे तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो यार इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ लेना। इसके अलावा बस तुम लोगों से इतना ही कहना है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे। तो की हालचाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बढ़िया होगे। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के चैप्टर पे। और तुम लोगों को तो पता ही हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है रादर देन हार्ड वर्क। तो आओ करते इस चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम लियोनार्डो दा विंची के पर पोते। अब तुम्हें पता है यार अगर वेब सीरीज देखते हुए कुछ खाने को मिल जाए ना भाई तो क्या ही कहने। तो ऐसे यार मैं खा रहा था बनाना चिप्स और फिर मेरे दिमाग पे आया कि यार ये बनते कैसे होंगे। तो फिर मैंने यार गूगल पे सर्च किया और देखा कि अच्छा ये तो बनता है फैक्ट्रीज पे। फैक्ट्रीज में यार कच्चे सामान को ना ऐसे स्वादिष्ट सामान में बदल देते हैं जैसे कि ये बनाना चिप्स है। तो फिर मुझे समझ आया अच्छा भाई ऐसा होता है मैन्युफैक्चरिंग। क्या बात है। अब यार मुद्दे की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। या फिर ये जो भोसरी वाले चच्चा है ना ये पूछ देंगे यार बताओ एक कंट्री के अंदर में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए
मैन्युफैक्चरिंग को बैकबोन क्यों माना जाता है? कि अगर कंट्री के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना तो कंट्री तो एकदम बिंदास रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो भाई साहब क्या ही कहने उनके फिर। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो यार एग्रीकल्चर जो है मॉडर्नाइज हो जाएगा, और ये सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं करता, ये लोगों को ऑप्शन भी देता है कि अगर तुम्हें एग्रीकल्चर पे काम नहीं करना है तो तुम काम कर सकते हो टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर पे, जिससे कि यार देखो होगा क्या, गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगा। और अगर हमें कंट्री के अंदर में रीजनल डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करना है, यानी कि कोई जगह यार बहुत ही डेवलप्ड होता है और कोई जगह यार बहुत ही अंडर डेवलप्ड होता है, तो ये चीज़ों को अगर ख़त्म करना है तो हमें इंडस्ट्रीज़ यार बैकवर्ड रीजन पर सेटअप करना चाहिए, जिससे कि सारी लोगों को बराबर फ़ायदा हो, समझ रहे हो। और आखिर में यार अगर कंट्री के अंदर में बहुत ही ज़ोरों शोरों से मैन्युफैक्चरिंग होता है ना तो कंट्री के अंदर में अच्छे दिन आने देर नहीं लगेंगे, जैसे कि चाइना का आ चुका है, पता नहीं हमारा कब आएगा। तो इसी बीच अगर तुम्हें कहीं से भी लग रहा है कि अगर एक कंट्री को डेवलप होने के लिए इंडस्ट्रीज़ का इतना ही इंपॉर्टेंट रोल है तो क्यों ना हम एग्रीकल्चर को इग्नोर कर देते हैं, देखो भाई ऐसा नहीं होता, एक के बिना तो दूसरा चल ही नहीं पाएगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि यार अगर एग्रीकल्चर देता है रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ को तो इसके बदले में इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी सारी चीज़ें देता है, जैसे कि मशीन, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन पाइप और ऐसे कई सारी चीज़ें, जिससे कि एग्रीकल्चर के अंदर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सके। तो इसलिए तुम कह सकते हो कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिल के ही चलना पड़ेगा। और साथ से याद आया भाई, साथ तो हमें भी किसी का चाहिए था, बट इसी बीच जब इस तरीके का पोस्ट देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे तो यार दिल तो यही करता है कि सस्ता सा हार्पिक पी के निपट ही लेते हैं, हमारे लिए दुनिया पे कुछ रखा नहीं है भाई साहब, सब तो मोह माया है। इसके बाद यार देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ ने हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, यानी कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो देखो पिछले 20 सालों से, यानी कि 2 decades से इंडस्ट्रीज़ ने हमारे GDP में 17% का कंट्रीब्यूशन किया है, जो कि बहुत ही कम है अगर तुम देखो इसे ईस्ट एशियन इकोनॉमीज से, जैसे कि जापान, चाइना और साउथ कोरिया, जहाँ यार 25 से लेकर 35% का कंट्रीब्यूशन रहता है। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ रेट का बात करें ना ये इंडस्ट्रीज़ का, तो ये है 7% पर एनम, यानी कि हर साल यार, जबकि ये होना कितना चाहिए था 12%। तो इससे तुम्हें पता चल गया हो कि इंडस्ट्रीज़ का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं है इंडिया के अंदर में, बट हमने 2003 के बाद से देखा कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। अब क्या है कि 9 से लेकर 10% का ग्रोथ रेट हम हर साल देखते हैं, और इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है NMCC को, यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपिटिटिव काउंसिल। इसने यार काफ़ी सारे काम किए जिसके वजह से इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग को जोरों शोरों से प्रमोट किया गया, और हम उम्मीद यही करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का परफॉर्मेंस इंडिया के अंदर में और बढ़े, एटलीस्ट हम चाइना को तो बीट कर ही दे। अब यार मान लो कि तुम इंडिया के उस चुनिंदे लौंडों में से हो जिन्हें ये समझ आ चुका है कि गवर्नमेंट जॉब से ही सब कुछ नहीं होता भाई, हमें तो यार अपने खुद से कुछ करना है, और इसी चक्कर में तुमने सोचा यार मैं तो खोलूँगा इंडस्ट्रीज़। तो अब बताओ तुम कहाँ खोलोगे अपना इंडस्ट्री, एक ऐसे जगह पे जहाँ तुम्हें आसानी से मिल जाए रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर सप्लाई, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर। सही कहा ना मैंने, तुम अपना इंडस्ट्री से एक ऐसे जगह में सेटअप करना चाहोगे जहाँ में ये सारी चीज़ें तुम्हें आसानी से मिल जाए। अब देखो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग जोर शोरों से होता है वहाँ कई सारे इंडस्ट्रीज़ खुलता है, और यही चीज़ को कहते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कहा गया यहाँ में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों एक ही साथ चलता है, अगर कहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहाँ अर्बनाइजेशन आसानी से हो जाएगा, बट देखो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, कोई कोई यार सिटीज़ का लोकेशन इतना खास होता है कि वहाँ इंडस्ट्रीज चले आते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? देखो यार कुछ सिटीज़ इतना खास लोकेशन पर होता है जो कि उन्हें मार्केट और सर्विस आसानी से दे पाता है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। तो इतने सारी चीज़ें जब आसानी से कोई एक जगह पे मिल जाता है तो इंडस्ट्रीज़ को भी लगता है कि चलो यही जगह हम अपना इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं। तो दोनों एक साथ चलता है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, कभी कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन होता है और कभी कभी अर्बनाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, समझ गए। और इसी से एक कॉन्सेप्ट है अर्बन एग्लोमरेशन, यानी कि जब कई सारे इंडस्ट्रीज़ एक साथ मिल के आके एक अर्बन सेंटर पे अपना इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही खास लोकेशन पे है जिससे उन्हें फ़ायदा मिलता है, तो इसी प्रोसेस को कहता है अर्बन एग्लोमरेशन। तो इसके बाद है यार क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब देखो ज्योग्राफी और क्लासिफिकेशन का भाई जन्म जन्म गुना आता है, बट यार इस रिश्ते को निभाने में ना हमारा फट जाता है भाई साहब, क्या ही बताए। चुप कर जा भोसड़ी के, मर जाएगा मेरे हाथ से।
खैर यार, जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है रॉ मटेरियल के बेसिस पे, जहाँ यार पहला एग्रो बेस इंडस्ट्रीज और दूसरा है मिनरल बेस इंडस्ट्रीज। फिर हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके काम के हिसाब से कि वो करते क्या है बेसिकली। इनमें पहला है की या बेसिक इंडस्ट्रीज, ये यार जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो यार दूसरे इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कंज्यूमर इंडस्ट्री, यहाँ यार जो भी बनाया जाएगा वो सीधा हम कंज्यूम करेंगे। फिर हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमने इंडस्ट्रीज पे कितना पैसा लगाया है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये भी फिर दो तरीके का होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट किया गया हो, और उससे ज़्यादा किया गया तो उन्हें हम कहेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और इसी के साथ साथ हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं ओनरशिप के बेसिस पे, जहाँ पहला होता है पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर जिसके अंदर में कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल करता है इंडस्ट्रीज को। फिर तीसरा जॉइंट सेक्टर, जहाँ क्या होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल के काम करते हैं। इसके बाद है कोऑपरेटिव सेक्टर, यहाँ क्या होता है कई सारे लोग एक साथ मिलकर एक इंडस्ट्री खड़ा करता है, जैसे कि हमने गुजरात और राजस्थान पे देखा है अमूल डेयरी। और आखिरी तरीका जिससे हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो इंडस्ट्रीज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो कोई भारी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसे कहेंगे हैवी इंडस्ट्रीज, और अगर कोई हल्का चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तब हम उसे कहेंगे लाइट इंडस्ट्रीज। अब जो मैंने तुम्हें इतने सारे क्लासिफिकेशन बताया इंडस्ट्रीज का, हमें इनमें से बस ध्यान देना है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, जिसके अंदर पहला है एग्रो बेस इंडस्ट्रीज और दूसरा है मिनरल बेस इंडस्ट्रीज। तो पहले देखते हैं एग्रो बेस इंडस्ट्रीज को, इसके अंदर पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब देखो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, ये भी दो तरीके का है, पहला है कॉटन टेक्सटाइल, दूसरा है जूट टेक्सटाइल। तो हम यार शुरुआत करते हैं कॉटन टेक्सटाइल से। एक मिनट रुको यार, इससे पहले कि हम शुरुआत करें कॉटन टेक्सटाइल को, तुम लोगों के लिए एक यूपीएससी लेवल वाला सवाल। इंडिया के अंदर में पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ बना था और कब बना था? देखता हूँ यार कमेंट्स में तुम्हें से कौन बता पाता है इसका सही जवाब। अब देखो यहाँ से अगर मैं सीधा बढ़ जाऊँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को समझाने तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम यार पहले समझ लो इंडस्ट्रीज के अंदर में कॉटन बनता कैसे है, फिर तुम समझ पाओगे कि इंडस्ट्रीज के अंदर में प्रॉब्लम क्या क्या है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कच्चे कॉटन को हम धागे में कन्वर्ट करते हैं एक प्रोसेस से जिसका नाम है गिनिंग। फिर इस धागे को हम स्पिनिंग की मदद से यार्न में कन्वर्ट करते हैं। फिर एक प्रोसेस है वेविंग जिसके मदद से हम इस यार्न को कन्वर्ट करते हैं एक फैब्रिक पे। और फाइनली हम इस फैब्रिक को बनाते हैं गारमेंट यानी कि कपड़ा, जिसके अंदर हम करते हैं इसके अंदर डाइंग एंड फिनिशिंग। ठीक है, अब इतना समझने के बाद अब बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। देखो इंडिया में शुरुआती समय पे ना इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ पाया जाता था महाराष्ट्र और गुजरात पे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यार यहाँ आसानी से मिल जाता था कच्चा कॉटन, सस्ता लेबर और मॉइस्चर क्लाइमेट। अब इस इंडस्ट्री के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये वो इंडस्ट्री है जो सिर्फ लोगों को रोजगारी नहीं देता, आसपास के जो इंडस्ट्रीज है ना उन्हें भी सपोर्ट करता है, जैसे कि यार केमिकल, डाइंग, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, इन सबको भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। और यार इंडिया तो यार टॉप क्लास लेवल का प्रोडक्शन करता है कॉटन का, स्पेशली जो यार्न है ना इसे तो हम कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि यार अमेरिका, जापान, यूके और कई सारे कंट्रीज। इतने सारे चीज़ होने के बावजूद इस इंडस्ट्री के अंदर में एक प्रॉब्लम है। देखो वो जो वेविंग के बाद जो फैब्रिक निकलता है ना कॉटन का, ये इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता इंडिया के अंदर में। देखो हम यार्न तो बहुत अच्छा बना लेते हैं स्पिनिंग के बाद, बट हमारे पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके वजह से जब हम इस यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का बनता है। इन सब के कारण इस इंडस्ट्रीज को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो है यहाँ यार सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और जो भी मशीनरीज है इस इंडस्ट्रीज के अंदर में वो काफ़ी पुराना हो चुका है, हमें ज़रूरत है कि इसे अपग्रेड करें। फिर जो लेबर है उनका प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी कम है, और जो सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री को फेस करना पड़ रहा है वो है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री के द्वारा। देखो सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है, आर्टिफिशियली हम कोई चीज़ बनाते हैं, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से काफ़ी चैलेंज झेलना पड़ रहा है। और सिमिलर कंडीशन हम देखेंगे जूट इंडस्ट्री के साथ भी, तो बढ़ते हैं हम अभी जूट इंडस्ट्री में। देखो इंडिया ना दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है रॉ जूट, बट यही चीज़ एक्सपोर्ट के मामले पे हम दूसरे नंबर पे आते हैं, पहला है बांग्लादेश। अब देखो यार तुम्हें सुन के ये अजीब लगेगा, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, फिर भी जो फैक्ट्रीज यानी कि मिल इंडिया के अंदर में ज़्यादातर पाया जाता है वो वेस्ट बंगाल के एक छोटे से एरिया हुगली रिवर के पास पाया जाता है। तो तुम यार सोच रहे हो हैं ऐसा कैसे?
ऐसा ऐसे है भाई साहब, क्योंकि देखो इंडिया में जितने भी जूट का प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर इसी एरिया पे होता है, और यहाँ एक जगह से दूसरा जगह रॉ मटेरियल को पहुँचाने में हम वाटर वे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है हमें। और तीसरा, यहाँ यार रेलवे का भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, और फिर यहाँ तुम्हें सस्ता लेबर भी मिल जाएगा, क्योंकि यार आसपास बिहार यूपी जैसे स्टेट है जहाँ में लेबर का कोई कमी नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके वजह से तुम्हें ज़्यादातर इंडस्ट्रीज ये हुगली रिवर के आसपास देखने मिलेगा, क्योंकि देखो बहुत ही सामने पड़ता है कलकत्ता, जो कि एक अर्बन सेंटर जहाँ तुम्हें जितने भी फैसिलिटीज़ है जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और भी कई सारे फैसिलिटीज़ तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे। अब ये तो मैंने तुम्हें कई अच्छी चीज़ें बताई है जूट इंडस्ट्री का, बट यार मैंने शुरुआत में बताया कि इस इंडस्ट्रीज़ के साथ भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। पहला चीज़ देखो यार, जूट जो एक फ़ाइबर है ये कोई सस्ता फाइबर नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसके वजह से मार्केट के अंदर में काफ़ी सारे सिंथेटिक फाइबर्स आ चुका है जो कि सस्ता भी है और टिकाऊ भी है, जो कि इस इंडस्ट्री को टफ कंपटीशन दे रहा है। और साथ ही साथ इंटरनेशनली भी इंडिया के जूट इंडस्ट्री को टफ कंपटीशन मिल रहा है बांग्लादेश ब्राज़ील और इजिप्ट जैसे कंट्रीज से। बाकी देखो यार, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर तो अच्छा है, क्योंकि देखो जूट एक ऐसा फाइबर है जो कि इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा है, बट इसका कॉस्ट एक प्रॉब्लम है। अगर हम किसी तरीके से इसका कीमत को कमा लेना तो शायद हमारे लिए ये इन फ्यूचर में अच्छा हो सकता है, देखते आगे क्या होता है। बट अभी हम बढ़ते हैं शुगर इंडस्ट्री की ओर। तो जब बात आता है शुगर इंडस्ट्री का, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुड़ और खंडसारी का। अब यार देखो, मेरा यार यूपी और बिहार वाले लोगों से एक हैवी रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे बताओ ये खंडसारी होता क्या है, मैंने इंटरनेट पे भी काफ़ी ढूंढा है, मुझे नहीं मिला भाई। अब मैं ये रिक्वेस्ट यूपी और बिहार वालों से ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार 60% जो मिल यानी कि फैक्ट्रीज है ना शुगर का, वो पाया जाता है यूपी और बिहार पे। तो यार अगर तुम लोगों से कोई जानते हो तो कमेंट्स में बताओ यार प्लीज़। बहुत जानने दिल हो रहा है मुझे। बट यार यूपी और बिहार वालों के लिए एक दुख की बात है, कुछ समय से क्या हो रहा है, जो ये मिल यानी कि फैक्ट्रीज जो होता है ना शुगर का, ये शिफ्ट हो रहा है सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स पे, स्पेशली बोलूँ तो महाराष्ट्र पे। अब ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो शुगर केन है ना, जो इन स्टेट्स पे पाया जा रहा है स्पेशली बोलूँ तो महाराष्ट्र पे, वहाँ में सुक्रोज का कंटेंट हाई है। देखो सुक्रोज यानी कि मिठास, इनके जो गन्ने हैं इन पे मिठास जो है बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ का क्लाइमेट भी काफ़ी सूटेबल है इनके लिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखो शुगर इंडस्ट्री ना कोई एक इंडिविजुअल नहीं चला सकता है, कई सारे लोग मिलके एक कोऑपरेटिव सिस्टम से चलाते हैं इसे, तो कोऑपरेटिव सिस्टम जो है इन स्टेट्स में काफ़ी सक्सेसफुल देखा गया है। तो इसके वजह से जो इंडस्ट्रीज है या फिर जो मिल है वो शिफ्ट हो रहा ज़्यादातर सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स की ओर। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ चैलेंजेस का इस इंडस्ट्री को लेके, तो देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ये जो इंडस्ट्री है वो एक सीजनल इंडस्ट्री है, कुछ साल तो काम चलता है उसके बाद काम नहीं चलता है, और इसी की वजह से ये इंडस्ट्री पे ज़्यादातर जो काम होता है वो कोऑपरेटिव सेक्टर का होता है, कोई इंडिविजुअल कुछ 2-3 महीने 6 महीने के लिए नहीं चला सकता वो इंडस्ट्री, समझ रहे हो। और दूसरा चीज़, जो भी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं इसके प्रोडक्शन पे वो भी काफ़ी पुराना हो चुका है, जरूरत है कि हम अपग्रेडेशन करें इन्हें। और आखिरी चीज़ देखो, ट्रांसपोर्टेशन में डिले होना, ये सारे प्रॉब्लम्स है। अब देखो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को, इसके बाद हम बढ़ते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की ओर, जिसके अंदर इन 5 इंडस्ट्रीज के बारे में जानना है हमें। और जानने से याद आया, अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि मेरे आवाज को क्या हो गया है, तो भाई साहब सर्दी इतना लगा है ना, क्या बताओ। फिर भी यार तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार एग्जाम भी पास आने वाला है समझता हूँ मैं, तो यार एनर्जी लेवल हो सकता है थोड़ा लो, तुम लोग यार देख लेना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। खैर यार, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर पहला है हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब देखो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को कहा जाता है कि ये है बेसिक और हैवी इंडस्ट्री। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो जितने भी दूसरे इंडस्ट्रीज है ये इनके ऊपर डिपेंड रहता है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये जो भी रॉ मटेरियल बनाते हैं या फिनिश प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही भारी होता है। फिर यार अगर बात हो आयरन और स्टील का प्रोडक्शन का, तो इंडिया आता है दूसरे नंबर पे क्रूड स्टील का प्रोडक्शन में, और पहले नंबर पे आता है स्पॉन्ज आयरन के प्रोडक्शन के। और इंडिया के अंदर में मैक्सिमम जो तुम्हें आयरन और स्टील इंडस्ट्री का फैक्ट्री दिखने मिलेगा इस छोटा नागपुर प्लेटू में देखने मिलता है, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर में ज़्यादातर आयरन और स्टील इसी एरिया में पाया जाता है। तो इसी से यार तुम लोगों के लिए फिर से एक यूपीएससी लेवल वाला सवाल,
तुम मुझे बताओ कि इंडिया के अंदर में पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ बना था, किसने बनाया था और कब बनाया था? थोड़ा डिफिकल्ट है बट ट्राई करो। इसके बाद जैसे हर इंडस्ट्री के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, यहाँ भी प्रॉब्लम है। अब देखो ये जो इंडस्ट्री है पूरी तरीके से डिपेंड है कुकिंग कोल के ऊपर, बट प्रॉब्लम यहाँ में ये है कि जो इसका प्राइस है बहुत ही हाई रहता है, साथ ही साथ ये इंडिया के अंदर में मिलता भी कम है। और दूसरा यार देखो लेबर का प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी लो है, और एनर्जी सप्लाई का क्या बात करूँ भाई, इरेगुलर होता है, बहुत प्रॉब्लम है। अगर एनर्जी सप्लाई होता सही तो कोल का जरूरत ही नहीं पड़ता ना, समझ रहे हो बात। एनर्जी सप्लाई भी बहुत ही गंदा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बात इंडिया में तो क्या ही करो, पता है तुम्हें आम लोगों के लिए सड़कें ठीक ठाक नहीं है, तो इंडस्ट्रीज का तो क्या ही बात करें। तो इसके बाद है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो क्या तुम्हें पता है इस इंडस्ट्री को एल्युमिनियम मेल्टिंग इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो एक रॉ मटेरियल है बॉक्साइट, जिसे हम खोद के निकालते हैं जमीन से, फिर हम इसे इंडस्ट्रीज पे करते हैं रिफाइन और बनाते हैं एक पाउडर जिसका नाम है एलुमिना। फिर हम इस पाउडर को मेल्ट करते हैं और बनाते हैं एल्युमिनियम। तो यार इसीलिए हमने इस इंडस्ट्री का नाम भी रखा एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री इंडिया का सेकेंड मोस्ट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री है आफ्टर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब ये मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री क्या है बोले तो ऐसे इंडस्ट्री जो मेटल का प्रोडक्शन करते हैं, समझ रहे हो। तो पहले हमने आयरन देखा, फिर हमने देखा अभी एल्युमिनियम, ठीक है। तो अगर अब तुम सोच रहे हो कि अगर ये इंडस्ट्री इतना ही इंपॉर्टेंट है तो इसका यूजेस कहाँ का है, तो देखो इसे मैन्युफैक्चर करने में यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट का, यूटेंसिल्स और वायर्स का। और कुछ समय से देखा गया है कि इंडस्ट्रीज के अंदर में स्टील, क्रॉपर, जिंक, लिड ऐसे जो मेटल्स है इन सबको रिप्लेस कर दिया है एल्युमिनियम ने, मतलब ये उसके जगह में बेटर काम कर पा रहे, समझ रहे हो, इसलिए इंडस्ट्रीज इन्हें ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, सवाल उठता है, कुछ तो खास बात होगा ना इसमें। तो देखो पहला चीज़ तो ये बहुत ही हल्का होता है, ठीक। दूसरा चीज़, दूसरे मेटल के मुकाबले यहाँ जंग लगने का खतरा ना के बराबर है। तीसरा, ये बहुत ही गुड कंडक्टर है हीट का, और ये एक मैल्यूएबल मेटल है, यानी कि तुम इसे आसानी से गला सकते हो, पिघला सकते हो। और जो सबसे खास बात, अगर तुम एल्युमिनियम को दूसरे मेटल के साथ मिला दो तो ना ये ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है, तो इसीलिए आजकल इंडस्ट्रीज ज़्यादा प्रेफर करते हैं एल्युमिनियम को। अब देखो इंडिया के अंदर में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री कुछ चुनिंदे 8 एरियाज में पाया जाता है, जो कि मैंने यहाँ दे दिया है, मैं डिटेल में नहीं बता रहा, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन में हम देख लेंगे। इसके बाद है यार केमिकल इंडस्ट्री। ये देखो बहुत ही खास तरह का इंडस्ट्री है, जो कि अपना जितना भी प्रोडक्शन होता है खुद से यूज़ कर लेता है, पूरा आत्मनिर्भर भाई साहब। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये दो सेक्टर्स पे बैठा हुआ है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर। जो ऑर्गेनिक सेक्टर होता है ना, वो इस्तेमाल करता है ऑर्गेनिक केमिकल्स का, जैसे कि पेट्रोकेमिकल, जिसका इस्तेमाल करके तुम बना सकते हो सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, ईटीसी। और जो दूसरा सेक्टर है वो है इनऑर्गेनिक सेक्टर। यहाँ यार इनऑर्गेनिक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइन, सोडा ऐश। इन सारे चीज़ों से तुम बना सकते हो ग्लास, साबुन, पेंट और कई सारी चीज़ें भाई। और एक चीज़ जो बहुत ही अजीब इस इंडस्ट्री के साथ, इनका जो लोकेशन, जो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है ऑयल रिफाइनरीज के पास, जबकि जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ये इंडस्ट्रीज पूरे देश भर में फैला हुआ है। फिर यार आता है हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो देखो इंडिया जैसे कंट्री पे जहाँ एग्रीकल्चर बहुत ही डोमिनेंट सेक्टर है, यहाँ हमें ज़रूरत पड़ता है फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इंडिया के अंदर में जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर बनाता है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, जिसे हम कहते हैं यूरिया। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी बनता है, जिसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश। फिर देखो ये जो फर्टिलाइजर के अंदर में जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यूरिया है ना, इसका प्रोडक्शन पे इंडिया आता है तीसरे नंबर पे। बट देखो ये जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, इसके अंदर में एक चीज़ पाया जाता है पोटैश, ये इंडिया में कहीं भी नहीं पाया जाता है, तो इस चीज़ को हम पूरी तरीके से बाहर से मंगाते हैं। और आखिरी चीज़, इंडिया के अंदर में आधा से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज तुम्हें मिलेगा गुजरात पे, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, ये स्टेट्स पे। फिर यार मिनरल बेस इंडस्ट्री के अंदर में जो आखिरी इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री, ये यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है, जैसे कि बिल्डिंग बनाना हो, रास्ता बनाना हो, ब्रिजेस बनाना हो, हमें चाहिए सीमेंट, बिना सीमेंट के सब नहीं हो सकता। तो इंडिया के अंदर में जो पहला सीमेंट
प्लान बना था ना वो 1904 को बना था, बट आज के समय पे जो ज्यादातर तुम्हें इंडस्ट्रीज दिखेगा वो दिखेगा गुजरात पे, और आजादी के बाद से लेके अब तक इस इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दिखा गया है। इतना अच्छा कि ये कंट्री के लिए तो प्रोडक्शन करता ही है, साथ साथ ये कई सारे कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे कि यार गल्फ कंट्रीज हो, अफ्रीका, साउथ एशिया और ऐसे ही कई सारे कंट्री जहाँ इंडिया अपना सीमेंट को बेचता है। अब देखो इन सब के अलावा दो इंडस्ट्रीज किताब के अंदर में दिया हुआ है, पहला है ऑटोमोबाइल और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ये दोनों को अलग समय पढ़ना पड़ेगा, तो पहले करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि गाड़ियाँ यार, सिंपली, जिससे कि हमें ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होता है, चाहे हमारा हो या कोई सामान पहुँचाना हो, ठीक है। तो इंडिया के अंदर में ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसका ग्रोथ होना शुरू हुआ लिबरलाइजेशन के बाद। लिबरलाइजेशन के बाद ही क्यों, क्योंकि इससे पहले इंडिया के अंदर में फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट ना के बराबर था, गवर्नमेंट करने ही नहीं देता था उन्हें, बट लिबरलाइजेशन के बाद कोई भी फॉरेन कंपनी आके आसानी से हमारे कंट्री के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकता था। तो इन्वेस्टमेंट होता है, कई सारे FDIs आता है, जिसके वजह से नए नए टेक्नोलॉजीज इस इंडस्ट्री के अंदर में आता है, और जिसके वजह से ये इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट कर पाता है। और जो इंडिया के अंदर में कहाँ ये इंडस्ट्रीज पाया जाता है ये सवाल है, तो ये पाया जाता है इंडिया के दिल्ली पे, गुड़गांव पे, महाराष्ट्र, पुणे, चेन्नई, इंदौर, और भाई लिस्ट बहुत लंबा है, ठीक है, कुछ याद रख लेना बस बहुत है। अब फिर यार देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री सब कुछ बनाता है, कैलकुलेटर से लेके कंप्यूटर, और ये इंडिया का एक लौता इंडस्ट्री है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है, मैक्सिमम लोग कहाँ जाना चाहते हैं भाई, आईटी सेक्टर पे, ठीक है, सबको पता है। और इसका जो कैपिटल है ना, आईटी सेक्टर कह लो या इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, वो है बैंगलोर। और जो ये आईटी इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर में लगातार ग्रो कर रहा है, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर में हम देख रहे हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट बहुत ही जोरों जोरों से चल रहा है, तो अगर ऐसा होता रहा तो इस सेक्टर का फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट रहेगा। खैर यार हमने काफ़ी सारे बात किया इंडस्ट्रीज़ के बारे में, अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से एनवायरनमेंट को क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत सारे तारीफें देखा हमने, इंडस्ट्री देश को बदल देता है, डेवलपमेंट लेके आ जाता है, रोजगार देता है, देता है भाई, बट कुछ अगर देता है ना तो उसके बदले में कुछ लेता भी है। क्या लेता है? हमारा एनवायरनमेंट को गंदा कर देता है भाई साहब। ये करता है एयर पोल्यूशन, ये करता है वाटर पोल्यूशन, ये करता है थर्मल पोल्यूशन, और ये करता है नॉइस पोल्यूशन। इन सब को देखते हैं डिटेल में। पहला, एयर पोल्यूशन होता कैसा है, इसका दो कारण है। पहला, कुछ ऐसे गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हवा में पाया जाता है। दूसरा, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है सॉलिड या लिक्विड, जिससे क्रिएट होता है स्मोक और डस्ट। ये कैसे क्रिएट होता है? फैक्ट्रीज से या फिर फॉसिल फ्यूल को जलाने की वजह से। तो ये जो भी टॉक्सिक गैसेस है या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स है, ये सारे ही हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, हमारे एटमोसफेयर के लिए बुरा है भाई, बहुत ही खतरनाक है। दूसरा पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन, ये होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्टेज जो होता है ना इंडस्ट्रीज का, जब वो रिवर पे छोड़ देते हैं तब। देखो जो इंडस्ट्रीज वाटर पोल्यूशन करता है वो है केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। अब ये क्या करते, कई सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को डंप कर देते हैं, जैसे कि यार एसिड, साल्ट, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, रबर, ये ऐसे चीज़ है जो कि हमारा पानी को टॉक्सिक बना देते हैं। इससे चूतिया बात कुछ हो नहीं सकती। फिर यार है थर्मल पोल्यूशन। अब देखो थर्मल पोल्यूशन को कहते हैं हम थर्मल इनरिचमेंट। देखो यह होता क्या है कि जो वाटर बॉडी है ना उसका टेम्परेचर अचानक से बढ़ने या घटने लगता है वाटर के क्वालिटी के गंदा होने की वजह से। अब ये गंदा होता कैसे? देखो जो फैक्ट्रीज लोग होते हैं वो अपना काम करने के लिए जो वाटर का इस्तेमाल करते हैं ना वो क्या होता है, गर्म होता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, ठंडा करने के बाद उसे रिवर पे छोड़ना चाहिए, बट वो क्या करते हैं, बिना ठंडा किए ही उस पानी को छोड़ दिया रिवर पे, इससे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसी को कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। और पोल्यूशन के लिस्ट में जो आखिरी पोल्यूशन है वो है नॉइस पोल्यूशन। ये बेसिकली किया जाता है इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के द्वारा, और जब भी नॉइस पोल्यूशन होता है आसपास तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है एनिमल्स पे भी और हम पे भी। अब इससे होता क्या है, फालतू में गुस्सा आने लगता है भाई साहब, इरिटेशन,
ब्लड प्रेशर बीपी सब हाई हो जाता है, और कहीं मिल गए ना सामने तुम पटक देंगे वही तुम्हें, सीधी बात है। नेवर। मजाक कर रहा था यार, बट यार देखो होता है जब भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है ना बगल अगल में, पता है रात के नींद भाई साहब वाइब्रेशन मोड में रख देते हैं सबको। चलो अब प्रॉब्लम देख लिया, अब सोल्यूशन का बात करते हैं। कैसे कम करोगे तुम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को? वाटर का इस्तेमाल कम से कम करो, अगर कर भी रहे हो ना तो रिसाइकलिंग और रीयूज नाम का चीज होता है उसका ध्यान रखो। दूसरा बात, बारिश के पानी का हार्वेस्टिंग करो। तीसरा चीज, जो हॉट वाटर होता है या पोल्यूटेड वाटर होता है जो कि इंडस्ट्रीज नदी पे छोड़ देते हैं, इसे पहले ट्रीट किया करो उसके बाद छोड़ा करो। ऐसे ही छोड़ दोगे तो इससे यार पता ही है तुम्हें वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। फिर यार देखो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कितना करें इंडस्ट्रीज, उसके लिए एक कानून बनना चाहिए। और आखिरी चीज़, जितने भी इंडस्ट्रीज है उन्हें इको टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि इंडस्ट्रीज को ऐसे टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करना चाहिए जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ना कि उससे इन्वायरमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताया इसे प्रैक्टिकली करके दिखाया है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने, जिन्हें हम कहते हैं NTPC। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले नए नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जो कि इको फ्रेंडली है। दूसरा चीज़, इन्होंने अपना इंडस्ट्री का जो वेस्टेजेस है उसे मिनिमाइज करने के लिए जितना भी वेस्ट होता है उन्हें पहले जलाया, उनका राख बनाया, फिर उस राख से भी एनर्जी प्रोड्यूस किया, तो इससे क्या हुआ उनका वेस्ट भी यूज़ हो गया, समझ रहे हो। और तीसरा चीज़, ग्रीन बेल्ट को लगाना शुरू कर दिया, यानी कि पेड़ पौधे लगाओ भाई, एफॉरेस्टेशन करो, समझ गए। फिर यार देखो इन्होंने क्या किया, जितने भी अपना फैक्ट्रीज यानी कि जो प्लांट्स जगह जगह पे था वहाँ यार मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया कि यह सच में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और आखिरी चीज़, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम से कम करने के लिए अलग अलग वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम एक चीज़ तो प्राउडली कह सकते हैं कि इस कंपनी ने ऐसे ऐसे चीज़ें किया जिससे ये अपना प्रॉफिट को भी बढ़ा सकता है साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी बचा सकता है। काश ये सारे चीज़ें इंडिया में बैठे हुए और दुनिया में बैठे हुए सारे कंपनीज करें, तो फिर यार ये क्लाइमेट चेंज ये सब मतलब कुछ होगा ही नहीं भाई साहब ना, सब तो सॉल्व है ना फिर, बस हमें समझदार होना है। बट यही तो नहीं है, यही तो नहीं है भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। खैर यार वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और पता है मुझे ये वीडियो थोड़ा बोरिंग था, बट क्या कर सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं था तो मैंने यार ज़्यादा जोक वोक भी ऐड नहीं किया यार। ठीक है, जितना हो सके यार निपटा दिया मैंने इसे। तो यार ठीक है, चैप्टर हो चुका है ख़त्म, मिलता हो तुम लोगों से अगले वीडियो में। बट यार जाते जाते यार तुम लोग सीधा जाओ और लाइक कर दो, कमेंट कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, और जो सबसे इम्पोर्टेंट भाई शेयर करो, शेयर करो भाई का थोड़ा केयर करो। थैंक यू, लव यू ऑल। तो की हाल चाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बड़े होते होंगे। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 ज्योग्राफी के आखिरी चैप्टर लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी पे। और तुम लोगों को तो पता ही हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है रादर देन हार्ड वर्क। तो आओ करते चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम लियोनार्डो दा विंची के पर्प होते। तो अगर तुम्हें जानना है कि एक कंट्री कितना डेवलप्ड है तो तुम्हें बस उस कंट्री का तीन चीज देखना है, उस कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है और ट्रेड कैसा है। यानी कि तुम कह सकते हो ये तीनों चीज़ें लाइफलाइन है किसी भी कंट्री का। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री USA, दुनिया का सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क USA में है, दुनिया का सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क USA में है। ये तो था ट्रांसपोर्टेशन। कम्युनिकेशन का बात करूँ तो गूगल किसका है, यूट्यूब किसका है, USA का है। और जहाँ तक की बात रहा ट्रेड का तो पूरा दुनिया तो USA ट्रेड करना चाहता है। तो इसे अब तुम्हें क्या समझ आया यार, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है और ट्रेड है, ये किसी भी कंट्री का लाइफलाइन है। अच्छा लाइफलाइन से याद आया, चल तो रहा है अब वैलेंटाइंस डे का माहौल, निब्बा निब्बियों का तो सेट है लाइफ, उनके लिए चारों ओर माहौल बना हुआ है। उसके अलावा तुम्हें इस मौसम में दिखेगा कुछ दिल टूटे हुए आशिक, इनका कहानी सुनो। अब यार इरशाद तो बोलो, शायरी देने वाला तुम लोगों के सामने। इरशाद इरशाद, तुम्हारे अलावा किसी को देखा नहीं हमने,
तुम्हारे अलावा किसी को देखा नहीं हमने, सूख गया गुलाब का फूल, फेंका नहीं हमने। बस बस बस, फिर आते हैं हमारे जैसे मनहूस, निब्बा निब्बियों के खुशी से जलने वाले। जिंदगी हमारी रोज ले रही है, हम किसी को क्या रोज दे के प्रपोज करेंगे। खैर यार, ज्यादा इमोशन में नहीं बहते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि चीजों को या हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब चीजों को हम कई तरह से पहुंचा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। पहला तरीका है जमीन। पहला तरीका है जमीन, दूसरा तरीका है वाटर, और तीसरा तरीका है एयर। तो जमीन के अंदर में तीन तरीका है, रोडवे, रेलवे और पाइपलाइन। वाटरवे के अंदर में इनलैंड वाटरवे और ओवरसीज। अब इनलैंड वाटरवे का मतलब है जब तुम नदी का इस्तेमाल करते हो चीज़ों को पहुंचाने में, दैट्स इनलैंड वाटरवे। और जब तुम चीज़ों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री बाय सी लेके जाते हो, दैट्स कॉल्ड ओवरसीज। और जो आखिरी तरीका है एयर, इसके अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो जो सबसे पहला है जमीन के अंदर में, रोड ट्रांसपोर्ट। जमीन। अब रोडवे के मामले पे तुम्हें पता ही है लार्जेस्ट रोड नेटवर्क यूएसए का है, बट दूसरा नंबर हमारा है, याद रखना। तो क्योंकि हमारा रोड नेटवर्क इतना बड़ा है, दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं, तो हमने इसे छह तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, दूसरा है नेशनल हाईवे, तीसरा स्टेट हाईवे, चौथा डिस्ट्रिक्ट हाईवे, पांचवा अदर हाईवे और आखिरी बॉर्डर रोड। जो पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ये इंडिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क का सिस्टम है जो कनेक्ट करता है इंडिया के चार मेगा सिटीज, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। और बहुत ही स्पेसिफिकली बोलूं तो ये कनेक्ट करता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक बाय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और फिर सिलचर यानी असम से पोरबंदर यानी कि गांधी जी के नगर तक कनेक्ट करता है बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और ये जो तुम्हें पूरा क्वाड्रिलेटरल टाइप का शेप बना हुआ रोड नेटवर्क दिख रहा है ना, इसे बनाया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर है नेशनल हाईवे, यानी कि ऐसे हाईवे जो फैसिलिटेट करता है इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट को। देखो सिंपली बोलूं तो ऐसे रास्ते जो कनेक्ट करता है इंडिया के जितने भी स्टेट के कैपिटल है उन्हें, और इसी के साथ ही साथ कैपिटल से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज है उनके साथ भी कनेक्ट करने वाला रोड को कहते हैं नेशनल हाईवे। और इंडिया के अंदर में जो पहला नेशनल हाईवे बना था वो था NH1, जिसे हम जानते हैं शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से, जो कि कनेक्ट करता था दिल्ली से लेके अमृतसर यानी पंजाब तक। और इंडिया के अंदर में जो नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का जिम्मेवारी लेके रखा हुआ है CPWD ने, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। फिर आता है स्टेट हाईवे, यानी कि ऐसे रोड जो स्टेट के कैपिटल से उनके डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, और इसे बनाने का जिम्मेदारी लेके रखा हुआ है PWD ने, यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी कि ऐसे रोड जो एक स्टेट के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ना उससे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है स्टेट के अंदर में उसे कनेक्ट करता है, उन रोड को कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट रोड। फिर है अदर रोड, तुम इसे कह सकते हो रूरल रोड, गांव के जो सड़क है ना कच्चे टूटे फूटे, ये है अदर रोड्स के अंदर में जो कि कनेक्ट करता है हमारे गांव विलेजेस को टाउन्स के साथ। और जिनका कंडीशन सही बोलो तो बहुत बुरा है इस समय इंडिया के अंदर में। हमारे गांधी जी ने कहा था एक समय, पता नहीं किसी को याद है कि नहीं ये बात, कि अगर हमें डेवलप करना अपने कंट्री को तो सबसे पहले हमें अपने गांव को डेवलप करना पड़ेगा। बट इन प्रैक्टिकल गांव का हालत बहुत बुरा है, फिर भी इनके मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्चा पानी लगता है वो दिया जाता है। एक गवर्नमेंट का स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अंदर में गांव में जितने भी रोड्स है कच्चा रोड्स इन्हें पक्का बनाने का जितना ये फाइनेंस चाहिए होता है प्रोवाइड कराया जाता है। बट वो हमें पता है कि सड़क कितने बढ़िया बनते हैं, सबको पता है, जो यार गांव में रहते हैं उन्हें तो स्पेशली पता है, मैं आगे ज़्यादा बोलूँगा नहीं। इसके बाद है यार बॉर्डर रोड। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ना डायरेक्ट रोड के बारे में नहीं आ सकता है, बट जो बॉर्डर रोड को बनाता है ब्रो,
यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके रोल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हें पता है कि बॉर्डर रोड बनाया जाता है ब्रो के द्वारा, और ये जो ब्रो है इसे बनाया गया था 1960s को। इसे बनाया गया था इस मोटिव के साथ कि ये जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर है और जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है यहाँ तक सड़कों को डेवलप्ड करे, क्योंकि देखो ये एरियाज में डिफरेंट टेरेन यानी कि ऊबर खावर पहाड़ों से भरे हुए एरियाज है जहाँ यार आसानी से सड़क नहीं बनते। तो ये ब्रो का जिम्मेदारी था कि इन जगह तक भी रोड्स बने जिससे कि हमारा कनेक्टिविटी बढ़े, और साथ ही साथ जब कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्कोप भी इन एरियाज के लिए खुलेगा। तो ये था 6 क्लासिफिकेशन। इसके अलावा ना देखो दो और क्लासिफिकेशन है, मेटल और अनमेटल रोड। अब तुमने बचपन में पढ़ा होगा कच्चा रोड पक्का रोड, तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है यार। मेटल रोड यानी पक्का रोड, अनमेटल यानी कच्चा रोड। मेटल रोड को बनाने के लिए चाहिए सीमेंट और कंक्रीट, ये बेसिकली जो शहरों पे रोड दिखता है तुम्हें वही है। और जो अनमेटल रोड है पता है तुम्हें, इन्हें बनाने के लिए मड और ग्रेवल्स बन जाता है इनसे। ये बेसिकली जो गांव में पाया जाता है रोड्स वही है। फिर हम बात करते हैं रोड नेटवर्क का कुछ एडवांटेजेस का। देखो पहला चीज़ तो रोड नेटवर्क को बनाना थोड़ा सस्ता रहता है रेलवे नेटवर्क से। दूसरा चीज़, ये जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ तुम रेलवे नेटवर्क को नहीं पहुँचा सकते बट रोड्स आसानी से पहुँचा जा सकता है। तीसरा, अगर तुम्हें करना है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल तो इसमें भी रोड्स इकोनॉमिकल रहते हैं। और चौथा यार, रोड प्रोवाइड करता है हमें डोर टू डोर सर्विस, जो भी चाहिए यार ऑर्डर करो जोमेटो से आ जाएगा तुम्हारे पास घर पे बिल्कुल। और आखिरी, रोड यार दूसरे अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी सपोर्ट करता है। देखो कैसे, मान लो तुम्हें जाना है रेलवे स्टेशन, तुम कैसे जाओगे? अभी भी पैदल चल के जाएंगे। अबे मान लो पैदल नहीं जाना है, टैक्सी से जाना है। नहीं बीबी, टैक्सी क्यों जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे, हेल्थ के लिए भी सही रहता है। अबे यार मान लो ना टैक्सी से चलोगे तुम। नहीं बीबी, हमें मानना ही नहीं है, हम तो चलेंगे पैदल ही। अबे कौन लेके आया इसे यार, कंट्रोल कंट्रोल। सुनो मैं जाऊंगा जब रेलवे स्टेशन, तो मैं क्या करूंगा, टैक्सी से जाऊंगा रास्ते से होके रेलवे स्टेशन, फिर वहां से मैं ट्रेन के पटरी से अपने गांव जाऊंगा, समझ गए? तो यह रोड एज ए फीडर यानी कि इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। फिर यार बात करते हैं कि रोड नेटवर्क के साथ इंडिया के अंदर में प्रॉब्लम क्या क्या है। इंडिया में जितने भी रोड नेटवर्क है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें और चाहिए। और जितने भी रोड है वो भी भरे हुए ट्रैफिक से कंजेस्टेड है, और रोड का हालत तो मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, पता है टूटा फूटा। मतलब यार हमारे यहाँ हालत तो कुछ ऐसा है, बस तुम आधे किलोमीटर चलो और एक बड़ा सा गड्ढा जहाँ तुम गिरोगे तो बस अलग ही दुनिया में जाके निकलोगे। तो ऐसा कुछ आई गेस 50% इंडिया का हालत ऐसा ही है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ बट हमारे यहाँ तो भाई ऐसा ही है। अब तुम लोग का पता नहीं, मुझे तुम लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कि तुम लोग की सड़क कैसा है, बड़ा सा गड्ढा दिखता है कि नहीं दिखता है जहाँ तुम बरसात के मौसम में नहा थक सकते हो। फिर हम बात करते हैं रेलवे का। देखो अगर तुम्हें लेके जाना कोई भारी चीज़ बहुत ही भारी, तो इसके लिए तो बेस्ट है रेलवे। इंडिया के अंदर में रेलवे पहली बार अंग्रेजों ने शुरू किया था, और जो पहला पैसेंजर ट्रेन इंडिया के अंदर में चला था 1853 को मुंबई से लेके थाने तक, आई गेस इसने कवर किया था 34 किलोमीटर के आसपास। हाँ और तुम्हें शायद पता है कि नहीं पता बट इंडिया तीसरे नंबर पर आता है दुनिया के अंदर में रेलवे नेटवर्क के मामले पर। तो पूरा जो रेलवे नेटवर्क है इंडिया के अंदर, इसे हमने 16 नहीं, किताब में 16 लिखा हुआ है गलत है, 18, इस समय 18 है, 18 जोन्स में बांटा हुआ है। अब यार ध्यान दो, एक क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर में ना रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करने में क्या चैलेंजेस आते हैं, तो हम यहाँ में रीजन वाइज बात करेंगे। तो जो पहला प्रॉब्लम है नॉर्दर्न प्लेन पे, नॉर्दर्न प्लेन बोलो तो राजस्थान से लेके जो बिहार और वेस्ट बंगाल तक का रीजन है इसे तुम कह सकते हो नॉर्दर्न प्लेन। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रिवर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ, तो जब हम रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा ब्रिजेस बनाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी डिस्टेंस कवर करने के बाद एक रिवर आता है, अब इस रिवर को पार करने के लिए हमें एक ब्रिज बनाना पड़ता है जो कि एक प्रॉब्लम है आई गेस। हाँ दूसरा, ये जो पेनिनसुलर रीजन है यानी कि सदर्न इंडिया का बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ क्या होता है रेलवे ट्रैक को बिछाने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज होता है, पहाड़ बहुत ज़्यादा इधर, तो हमें क्या करना होता है टनल्स बनाना होता है और पहाड़ों के बीचों से ये रेलवे ट्रैक को लेके जाना पड़ता है, तो डिफ़िकल्टी है यहाँ भी। और जो आखिरी रीजन इंडिया का हिमालयन माउंटेन के आसपास का जो भी है एरियाज, यहाँ तो भाई रेलवे लाइंस को पहुँचाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है भाई,
पहाड़ इतने बड़े बड़े हैं, अप्स एंड डाउन्स, बहुत ही डिफिकल्ट है कंस्ट्रक्ट करना एक रेलवे नेटवर्क। इसलिए तुम देखोगे भी जो स्पेशली हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, यहाँ रेलवे नेटवर्क बहुत ही कम है। अब ये तो था चैलेंजेस रेलवे को कंस्ट्रक्ट करने में, बट यहाँ इंडियन रेलवे को चलाने के लिए भी ना कई सारे प्रॉब्लम्स आता है, जैसे कि यहाँ लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं ट्रेन पे, साथ ही साथ लोग यार चोरी, डैमेजेस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, ये सब भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है। रिसेंटली यार देखा हमने, स्टूडेंट्स यार प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, शायद रेलवे का एग्ज़ाम्स को लेके कुछ सीन था, तो डिमांड चल रहा था, बातचीत चल रहा था, बट अचानक से क्या होता है, उन्हें शायद गुस्सा आ जाता है, कुछ भी होता है, वो लोग क्या करते हैं यार, पूरा ट्रेन को चला देते हैं। तो ऐसा चीज़ होता है यार इंडिया में, क्या बात करें, अब रिएक्ट नहीं कर पाता मैं ये सब चीज़ों में, बस बहुत ही नॉर्मल सोच के चला जाता हूँ, बट है नहीं नॉर्मल, ठीक है। और आखिरी जो है ये बकचोदी, तो हमने बचपन में हमेशा करने का सोचा बहुत है यार, जो ट्रेन का चेन होता है ना लाल कलर का, सोचते कि खींच दे और ट्रेन को रोक के बाहर जाके यार थोड़ा मस्ती करके आए, बट करते नहीं है, करते तो पता नहीं पुलिस पकड़ के समझ रहे हो। फिर यार चलो बात करते हैं अब पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का, काफ़ी नया है ये, तो शुरुआती तौर पे तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पानी को ट्रांसपोर्ट करने में इस्तेमाल किया, जो भी हमारे घरों पे पाइप पे पानी आता है इस पे, बट धीरे धीरे हमने समझा कि यहाँ हम सिर्फ पानी ही नहीं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऐसी चीज़ें भी लेके जा सकते हैं। और जब हमारे कलीजे को इससे भी ठंडक नहीं मिला, तो हमने क्या किया, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसे भी थोड़ा चिपचिपा करके, यानी कि थोड़ा स्लरी करके ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। और आगे ना मैं सोच रहा हूँ, ये जो मेरे बगल वाली आंटी है ना, शर्मा आंटी, इसे और जितने भी कॉलोनी के लोग हैं इन्हें भी, मतलब भाई साहब दिन को ना वॉइस ओवर करा ही नहीं जा सकता हमारे घर, नहीं पीछे यार कुत्तों की तरह भौंकते, ऐसा नहीं लगता कि मेरे पीछे इंसान है, नहीं कुत्ते हैं साले, इतने भौंकेंगे कि भाई वीडियो बनाने के बाद तो सोच भी नहीं सकता। तो जो भी करना होता है मुझे रात के 3 बजे तक, ठीक है अभी 3 बज रहा है, अब मैं कर रहा हूँ। तो अगर पॉसिबल होगा ना तो मैं क्या करूँगा, इन सालों को पाइपलाइन से कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दूँगा, ऐसे जगह मतलब वापस ना आए ये लोग, बस इतना हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब यार एडवांटेज का बात करते कि अगर तुम पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें क्या एडवांटेज मिलता है। देखो शुरुआती तौर पर बनाने में काफ़ी खर्चा जाता है, ऑब्वियस बात है, तुम ज़मीन को खोद के पाइप लगाओ के लंबा सा, पैसा बहुत लगेगा शुरुआती तौर पे, बट अगर एक बार बन गया उसके बाद भाई 1 रुपये भी खर्चा नहीं, बस तुम्हें इस्तेमाल करते जाना है। फिर यार देखो यही पे एक चीज़ है कि अगर तुम रोड या रेलवे का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ में क्या होता है, चीज़ों को हम एक जगह लोड करते फिर अनलोड करते तो यहाँ समय लगता है, रुकता है वो चीज़, बट पाइपलाइन में ऐसा नहीं होता है। ये जो ट्रांसशिपमेंट का जो टाइम होता है ना कि रुकाया फिर लोडिंग किया फिर अनलोडिंग किया, ये सब चीज़ों में देर नहीं लगता, मतलब भाई साहब सीधा एक तरफ से डालो और दूसरी तरफ से निकालो, मतलब भाई साहब समय की बर्बादी नहीं है यार, सीधी बात है। तो इसी बात पे यार जान लो कि इंडिया के अंदर में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स है, वो क्या क्या नाम है उनका। तो जो पहला नाम है ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर, जो कि बेसिकली यूपी पे है। तो सीधा बोलूँ तो पहला पाइपलाइन कनेक्ट करता है आसाम से लेके कानपुर तक, और ये कौन सा जगह से गुजरता है, तो गुवाहाटी और अलाहाबाद। उसके बाद जो दूसरा पाइपलाइन है ये गुजरात से लेके पंजाब तक चलता है, सलाया गुजरात पे एक जगह है, वहाँ से लेके पंजाब के जलंधर तक, और ये पाइपलाइन टच करते हुए जाता है विरंगम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत को। और जो आखिरी पाइपलाइन है ये जाता है गुजरात के अंदर में एक जगह है हजीरा, वहाँ से लेके यूपी पे एक जगह है जगदीशपुर, वहाँ तक कनेक्ट करता है, और ये होके गुजरता है विजयपुर, कोटा, शाहजहानपुर और बड़ोदरा। देखो इन तीनों पाइपलाइन को तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास, बस ऐसे याद रख लेना, जो पहला पाइपलाइन है वो आसाम से लेके यूपी को कनेक्ट करता है यानी कि कानपुर तक, दूसरा पाइपलाइन गुजरात से लेके पंजाब यानी कि सलाया से लेके जलंधर तक, और तीसरा वो भी गुजरात से लेके यूपी को कनेक्ट करता है हजीरा से लेके जगदीशपुर तक। इतना अगर कर लोगे यार तो भी बहुत है। चलो ये तो हो गया हम जमीन में जितना हमने ट्रांसपोर्टेशन किया, अब बात करते हैं कि हम वाटर से कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो देखो
वाटरवे सबसे पुराना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, पता है तुम्हें। अंग्रेज इंडिया पे आए थे वाटरवे के द्वारा, ना वास्को डगामा इंडिया पे आते और ना हम अंग्रेजों के गुलाम बनते। खैर जो हो गया हो गया, बट तुम जान लो कि वाटरवे का क्या क्या बेनिफिट्स है। देखो, वाटरवे सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और जो भारी भारी सामान है ना, बहुत भारी भारी सामान, उन्हें बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कराने के लिए, मान लो एक सामान है जो इंडिया से जा रहा है अमेरिका, तो वो बेस्ट रहेगा कि तुम उसे लेके जाओ वाटरवे से। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम इंडिया से लेके अमेरिका तक रेलवे लाइन बिछा दोगे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो बेस्ट वही रहेगा कि तुम वाटरवे का इस्तेमाल करो। इसके अलावा देखो, इसका फ़ायदा ये भी है कि ये फ्यूल इफिशियंट है, मतलब काफ़ी कम तेल खाता है, और साथ ही साथ ये इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब ऐसा बात है, फ्यूल एफिशिएंट है, तेल कम खाता है, तो यार इन्वायरमेंट को भी समझ ही रहे हो, थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। अब ये जो वाटरवे है ना, ये दो तरीके का होता है। एक होता है इनलैंड वाटरवे, यानी कि तुम कंट्री के अंदर ही पानी का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को पहुँचाते हो, तो उसे कहते हैं इनलैंड वाटरवे। ये देखो बेसिकली इस्तेमाल करते हैं रिवर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। और दूसरा जो होता है ओवरसीज, मैंने बताया तुम्हें, जब तुम इंडिया से सामान किसी दूसरे कंट्री में पहुंचा रहे हो तो तुम डायरेक्ट सी का इस्तेमाल करोगे। तो देखो, पहले बात करते हैं इनलैंड वाटरवे का। अब इनलैंड वाटरवे में तुम्हें 5 नेशनल वाटरवे का नाम याद करना है। जैसे हमने नेशनल हाईवेज को देखा था, उसी तरीके से यहाँ नेशनल वाटरवे है। पहला जो है NW 1, ये है गंगा रिवर पे इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक, ठीक। दूसरा है NW 2, यानी कि नेशनल वाटरवे नंबर 2, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, जो कि सदिया से लेके दुबरी तक है। दिख रहे हो यहाँ पे, इनलैंड वाटरवे मतलब रिवर्स है, तो यहाँ पे तुम्हें रिवर्स का नाम याद करना है और कौन सा जगह पे रिवर, बस वो याद करना है। जैसे हमने देखा पहले गंगा रिवर इलाहाबाद से लेके हल्दिया, ब्रह्मपुत्र रिवर सदिया से लेके धुबरी, और जो तीसरा नेशनल वाटरवे है वो तुम्हें मिलेगा वेस्टर्न कोस्ट कैनाल केरला पे, और फोर्थ रिवर गोदावरी से कृष्णा के बीच, और जो आखिरी फिफ्थ नेशनल वाटरवे है ब्रह्मनी रिवर से लेके महानदी डेल्टा तक। रिवर का नाम बिंदास याद कर लोगे, बस और कुछ नहीं है। अब इसके अलावा जो मैंने बताया तुम्हें, एक तो इनलैंड वाटरवे है और जो दूसरा था ओवरसीज, अब इसके लिए हमें मेजर पोर्ट्स को याद करना है बस, ठीक है। तो देखो, इंडिया के अंदर में ना इस समय 12 मेजर पोर्ट्स है और 200 माइनर पोर्ट्स है, तो हम स्टडी करेंगे इन 12 मेजर पोर्ट्स को। पोर्ट्स यानी पता है ना तुम्हें, एक ऐसा जगह जहाँ में शिप रुकते हैं, सामान या इंसानों को रखते हैं वहाँ पे और उठाते भी है फिर, और जहाँ लेके जाना होता जाते है, ठीक है। तो 12 पोर्ट्स है इंडिया में, देख लेते हैं। तो जो पहला है कांडला पोर्ट, जिसे हम जानते हैं दीनदयाल पोर्ट के नाम से। देखो, ये बनाया इसलिए गया था कि इंडिया का जो सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है ना, मुंबई पोर्ट, इसमें प्रेशर ना पड़े। ये इंडिया का इतना बिजिएस्ट पोर्ट है, यहाँ शिप्स को रखने का जगह नहीं होती कि कहाँ रखे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो हमने इसलिए कांडला पोर्ट बनाया। देखो, आज़ादी से पहले हमारे पास कराची पोर्ट था, बट आज़ादी के बाद ये रहा नहीं हमारे पास, तो हमें मजबूरन इस कांडला पोर्ट को बनाना पड़ा, ताकि हम ये मुंबई पोर्ट का प्रेशर को संभाल पाए। अब जब मुंबई पोर्ट का नाम आ ही रहा है, तो इनका बात करते हैं। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। अब देखो, यहाँ में दो कॉन्सेप्ट आएगा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पोर्ट्स। इन्हें समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि पोर्ट बनते कैसे। देखो, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो कि सी के आसपास है, जो कि नेचुरली ऐसा बना हुआ है जहाँ तुम जहाज़ों को आराम से लाके खड़ा कर सकते हो, और जो भी सामान होगा तुम्हारा वो तुम लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हो, उस जगह को कहेंगे हम नेचुरल पोर्ट। और एक ऐसा जगह जो कि नेचुरली नहीं बना हुआ है, हमने उस ज़मीन को काट पाट के ऐसा बनाया है कि हम वहाँ अब जहाज़ों को अब खड़ा कर सकते हैं, तो उस जगह को कहेंगे हम आर्टिफिशियल पोर्ट। तो हमारा जो ये मुंबई पोर्ट है ना, ये नेचुरल पोर्ट है। अब देखो, ये इतना बिजिएस्ट पोर्ट है, तो यहीं पे जो हमारा तीसरा पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसे भी बनाया गया था ताकि हम जो है मुंबई पोर्ट में जो इतना ट्रैफिक आता है ना, इसका जो ट्रैफिक है उसे कम आ सके, मतलब इसे डिकंजेस्ट कर सके। देखो, ये चीज़ गलती मत करना, काफ़ी लोग यहाँ ये गलती करते हैं कि मुंबई पोर्ट को ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं, नहीं, दोनों अलग अलग है। मुंबई पोर्ट का प्रेशर को रोकने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट काफ़ी आसपास ही बनाया, तो इसीलिए कई लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही होते होंगे, बट एक नहीं है, दोनों अलग अलग है।
फिर हम बात करते हैं मोरमुगाव पोर्ट के बारे में। ये तुम्हारा गोवा पे है। इस पोर्ट को बनाया इसलिए गया था कि देखो इंडिया के अंदर में जो फाइन क्वालिटी के आयरन ओर मिलता है ना, इन्हें बाहर कंट्री पे एक्सपोर्ट किया जा सके इस पोर्ट के द्वारा। और बिल्कुल इसी तरीके का सेम चीज़ है न्यू मैंगलोर पोर्ट पे, बस यहाँ में डिफरेंस ये है कि ये कर्नाटका पे है, बाकी यहाँ भी वही होता है आयरन ओर का एक्सपोर्ट। फिर हमारा कोची पोर्ट, ये इंडिया का एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पार्ट पे है इन केरला। अब ये जो पोर्ट है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न से बना हुआ है, बाहर से लगूंस दिया हुआ है और अंदर पे एक नेचुरल हार्बर टाइप का बना हुआ है, ठीक है। फिर है यार टूटीकोरिन, ये इंडिया का एक्सट्रीम साउथ ईस्ट पोर्ट है जो कि तमिलनाडु पे है। अब इस पोर्ट का खासियत ये है कि ये एक नेचुरल हार्बर है, साथ ही साथ एक रिच हिंटरलैंड है। फिर हम बात करते हैं चेन्नई पोर्ट का, तो ये इंडिया का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। देखो इससे पहले हमने बहुत ज़्यादा पोर्ट्स पढ़ा था जो कि नेचुरल था, बट चेन्नई पोर्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है जिसे हमने खुद बनाया है। और मुंबई पोर्ट के बाद चेन्नई सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, तो तुम कह सकते हो टेक्निकली मुंबई के बाद दूसरे नंबर पे जो पोर्ट आता है इंडिया का सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ट्रैफिक हर चीज़ में, वो है चेन्नई पोर्ट। फिर यार विशाखापट्टनम पोर्ट, ये इंडिया का सबसे गहरा डीपेस्ट लैंड लॉक और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। ये बनाया इसलिए गया था ताकि हम इंडिया का आयरन ओर को एक्सपोर्ट कर सके। तो तुम लोग के लिए यह एक सवाल है, ये विशाखापट्टनम पोर्ट कौन से स्टेट पे इंडिया का, और क्या तुम उस स्टेट से बिलोंग करते हो, ये भी बताना। फिर अगला है पैरादीप पोर्ट, ये पोर्ट है ओडिशा का और ये भी स्पेशलाइज है आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने में। मतलब तुम अगर ध्यान से देखो इंडिया के ज़्यादातर पोर्ट आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने में स्पेशलाइज है। तुम लोग यार घबराना मत, मैं एक डिटेल एनिमेटेड वीडियो लाऊंगा तुम लोगों के लिए जहां मैप को डिस्कस करेंगे पूरा इंडिया का, ऐसा समझाऊंगा ना तुम्हें भाई, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार देख लेना छप जाएगा दिमाग पे। और इस चीज़ के लिए तुम्हें करना पड़ेगा मुझे सपोर्ट, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर तो करना अपने दोस्तों के साथ, भूलना मत, क्योंकि यार तुम लोग के सपोर्ट से मिलता है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। और ये जो मोटिवेशन है ना, ये यार ऐसे काम को करवा सकता है जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। खैर यार बढ़ते अब अगले पोर्ट की ओर जो कि कलकत्ता पोर्ट। अब ये ना एकलौता इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, यानी कि ये ऐसा पोर्ट है जो कि डायरेक्टली सी से कनेक्टेड नहीं है। अगर तुम कलकत्ता का लोकेशन देखो तो वो सी के आसपास नहीं है, थोड़ा अंदर है, बट यहाँ कई सारे रिवर्स है, उसकी मदद से हम जो भी हमारा सामान बाहर लेके जाना होता है हम लेके जाते हैं। पहले हम ये रिवर से कनेक्ट होते हुए फिर हम सी तक कनेक्ट होते हैं, इसलिए हमने कहा इसे ये है रिवराइन पोर्ट। और देखो ये जो कलकत्ता पोर्ट है ये एक समय बहुत ही बिजिएस्ट पोर्ट हुआ करता था, तुम्हें पता है कि नहीं पता, बट इंडिया का जो कैपिटल है एक समय पे कलकत्ता हुआ करता था, मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेज़ों के समय पे, बट फिर अंग्रेज़ों ने इसे शिफ्ट कर दिया। बट उस समय में ना ये पोर्ट का इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा था, और जैसे मुंबई पोर्ट का प्रेशर को कम करने के लिए हमने कांडला पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया है, उसी तरीके से कलकत्ता पोर्ट का ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमने बनाया है हल्दिया पोर्ट। अब इस पॉइंट पे आके मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों का लैंड ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्लियर है। अब बढ़ते हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन पे। देखो एयरवेज या फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन सबसे फास्टेस्ट, सबसे कंफर्टेबल और सबसे प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि तुम बहुत ही जल्दी ट्रैवल कर सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबली कर सकते हो। और ये जो चीज़ है अमीरों के लिए भाई, हम गरीबों के लिए नहीं है। हमारे लिए तो यार रेलवे का जनरल डब्बा ही बहुत है, हम चल लेंगे एडजस्ट करके जैसे भी चले जाएंगे, नहीं होगा यार हमसे, इतना पैसा हम पे नहीं है। बट तुम लोग में से अगर कोई अमीर जादे हो तो तुम लोग बता सकते हो कि तुमने जब पहली बार कोई एरोप्लेन या कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किया था थ्रू एयर तो तुम्हें कैसा लगा था। खैर यार एयरवे काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी फास्ट है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, पता है तुम्हें। बट जहाँ रेलवे, रोडवे, वाटरवे नहीं पहुँच सकता है वहाँ पहुँच सकता है एयरवे। जितने भी इंडिया के डिफ़िकल्ट टेरेन्स है, पहाड़ी इलाके, वहाँ तक ना रोड बन सकता है, ना रेलवे बन सकता है, और ना ही वहाँ तुम जा सकते हो कोई शिप लेके। तो तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन यही है कि तुम चॉइस कर लो एयर ट्रांसपोर्टेशन को। अब आज़ादी के बाद इन 1953 हमने जितने भी एयर ट्रांसपोर्टेशन है उसे कर दिया नेशनलाइज, जिसका मतलब यह था कि 1953 के बाद जितने भी एयर ट्रांसपोर्ट का मीडियम्स है, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। और यही पे रोल आता है हमारा एयर इंडिया का, जो तुम्हें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल थ्रू एयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया पवन हंस
हेलीकॉप्टर्स। तो ये दो चीज, एयर इंडिया और पवनहंस हेलीकॉप्टर, ये तुम्हें एयर ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस प्रोवाइड करेगा जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल किया है गवर्नमेंट ने। अब देखो यार, इंटरेस्टिंग कहानी ये है, जो ये एयर इंडिया है ना, ये एक समय में टाटा ग्रुप का पार्ट हुआ करता था, इसे हम जानते थे टाटा एयरलाइंस के नाम से। बट 1953 के बाद टाटा एयरलाइंस का कंट्रोल आता है गवर्नमेंट के पास और इसका नाम चेंज करके एयर इंडिया कर दिया जाता है। और यहीं पे एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी ये है कि ये जो एयर इंडिया है, इसे वापस से टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। तुम इसके बारे में थोड़ा इंटरनेट पर सर्च करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है, शायद तुम भी इसे थोड़ा बहुत मोटिवेशन ले सकते हो। इसके बाद देखो, तुम्हें पता है एयरवेज काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, आम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं बना हुआ होता है। फिर भी जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना इंडिया का, यहाँ पे देखने मिलता है हमें कि गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से एयर ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करता है कि उसका इस्तेमाल आम लोग भी करें, यानी कि आम लोगों के लिए यहाँ थोड़ा सस्ता कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके ऊपर एक सवाल बन सकता है कि क्यों एयर ट्रांसपोर्टेशन को नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे इतना एम्फेसाइज किया जाता है, बढ़ चढ़ के प्रमोट किया जाता है। पहला चीज़ तो देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र रिवर एग्जाम्पल पे ले लो, बहुत ही बड़ा रिवर है। इसे छोड़ो यार, मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं खुद आसाम से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ ना तुम एक दो किलोमीटर चल के जाओगे एक ब्रिज आएगा, फिर तुम चलो एक दो किलोमीटर तुम्हें फिर ब्रिज दिखेगा, मतलब भाई साहब हर दो तीन किलोमीटर के बाद तुम्हें एक ब्रिज एक नदी दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ रोड्स को रेलवे को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तुम्हें पता है इंडिया का 60-70% फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे है, यहाँ भाई जंगल ही जंगल है, बहुत ही प्यारा लगता है दिखने में। अब देखो ये चीज़ देखने में तो सुंदर लगता है हमें, बट जब हम रोड्स और रेलवे को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं ना, तो यही चीज़ हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। और आखिरी चीज़, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे इतने पहाड़ है, इतने पर्वत है, ऊबर खाबर ज़मीन है, तो यहाँ पे रोड्स और रेलवेज को हम नहीं ला सकते, तो हमें ना चाहते हुए भी एयरवेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसीलिए हम आम लोगों के लिए जितना हो सके एयरवेज को जितना हो सके सस्ता रखने का कोशिश करते हैं, ताकि आम लोग भी एयरवेज से ट्रैवल करें। अब इस टॉपिक के ख़त्म होने के साथ साथ हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कच्चा चिट्ठा ख़त्म, बस इतना ही तक था। देख रहे हो, चैप्टर का हमने 80% ख़त्म कर लिया है, अब जाके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ख़त्म होता है। अब हम भरेंगे कम्युनिकेशन पे। देखो जो बात आता है कम्युनिकेशन का, तुम्हें पता है पहले समय पे जो हमारे आसिक लोग होते थे ना, वो कैसे अपने चिट्ठियों को पहुँचाते थे कबूतर से, लंबा कहानी है भाई, उधर नहीं जाते हुए मुद्दे पे आते हैं सीधा। कम्युनिकेशन करने का दो तरीका है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में तुम किसी भी इंसान के साथ पर्सनली कनेक्ट हो रहे होते हो, जैसे कि फ़ोन से, लेटर्स से, ऐसे कई सारे चीज़। और मास कम्युनिकेशन के हेल्प से तुम कई लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, ये सब तो छोड़ो यार, पुरानी बात है, मैं तुम्हें मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ। आज अगर मैं कोई कोचिंग सेंटर खोल के पढ़ा रहा होता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को पढ़ा हुआ था, 30-40 मैक्सिमम 50, उससे ज़्यादा नहीं। बट होता क्या है, इस YouTube की मदद से ये जो आवाज़ तुम सुन पा रहे हो, इंडिया के शायद कोई भी कोने में बैठे हुए हो, शायद तुम सदर्न इंडिया से हो, शायद तुम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से हो, शायद तुम राजस्थान, कश्मीर, कहीं से भी हो सकते हो, बट तुम सुन पा रहे हो ड्यू टू मास कम्युनिकेशन। अब ये दो चीज़ तो एक जनरलाइज तरीका है कम्युनिकेशन का, अब हम देखते हैं इंडिया स्पेसिफिक कि इंडिया के अंदर में कम्युनिकेशन करने का क्या क्या तरीका है। तो जो सबसे पहला है इंडियन पोस्टल नेटवर्क। अब पोस्टल नेटवर्क के मामले पे इंडिया आता है एक नंबर पे। अब मुझे पता नहीं ये कैसे हो रहा है, चिट्ठी लिखना तो हमने कई सालों पहले छोड़ दिया है, फिर भी घिस पिस के ये सेक्टर चल रहा है। बट इसके बाद जो हमारा अगला मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ये काफ़ी जोरों शोरों से इंडिया के अंदर में चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ टेलीकॉम नेटवर्क्स का। पूरी दुनिया के अंदर में चाइना के बाद इंडिया आता है दूसरे नंबर पे इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क, और इसमें हमें मदद करता है सबसे ज़्यादा एयरटेल, जियो और वोडाफोन जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स। अगर हम रहते हैं VSNL या गवर्नमेंट के कुछ भी सीन पे, तो शायद ये इतना बड़ा नहीं हो पाता। फिर जो तीसरा तरीका है मोड ऑफ कम्युनिकेशन का, वो है मास कम्युनिकेशन। देखो इसके अंदर में तुम्हें चार इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है बस। पहला देखो ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम आकाशवाणी कहते हैं। दूसरा नेशनल टेलीविज़न चैनल दूरदर्शन। अब ये वो चैनल है जो एक समय पर लेजेंडरी हुआ करता था, बट आज के समय पर तो बस बहुत ही लिमिटेड रह गया है। बट फिर भी ये इंडिया का एकलौता नेशनल टेलीविज़न चैनल है, जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है
और जो तीसरे नंबर पे आता है वो है न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर का बात करूँ तो इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर छपते हैं हिंदी लैंग्वेजेस में, और इसके बाद इंग्लिश और जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस है इसमें भी न्यूज़पेपर आता है। बट फिर भी देखो दुख की बात यह है, इतना बड़ा इंडिया है, इतने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट इंडिया के पास एक ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो इंटरनेशनली जाना पहचाना जाए। जैसे कि देखो चाइना के पास द ग्लोबल टाइम्स है, ये उसका स्टेट मीडिया है जिसका न्यूज़ पूरा दुनिया में पढ़ा जाता है, मतलब तुम कह सकते हो ये इंटरनेशनल ब्रांड है। उसी तरीके से यूएसए के पास न्यूयॉर्क टाइम्स, यूनाइटेड किंगडम के पास बीबीसी, देख रहे हो, बट इंडिया के पास ऐसा कोई इंटरनेशनली न्यूज़ चैनल या फिर कोई न्यूज़पेपर नहीं है जिसके ऊपर डेफिनेटली इंडिया को काम करना चाहिए और कुछ ऐसा लाना चाहिए। फिर आता है आखिरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें ना हमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं बात कर रहा हूँ मूवीज़ या फिल्म्स का। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म बनाने पे, ठीक है, हम इतने ज़्यादा मूवीज़ बनाते हैं, इतने ज़्यादा कि दुनिया सोच भी नहीं सकता। हम हॉलीवुड तक मूवीज़ को जो बनाने का क्वांटिटी है, मतलब यार हर दो दिन बाद एक नया मूवी रिलीज़ होता है इंडिया के अंदर में, इस चीज़ से हम हॉलीवुड को भी टक्कर दे सकते हैं। मतलब भाई साहब इतना मूवी बनता है इंडिया के अंदर में, अलग ही क्रेज़ है हमारा। और जब से यार वेब सीरीज़ बनना शुरू हुआ ना तब से तो पूछो मत भाई। खैर यार इसी बीच में तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो मूवीज़ बनता है इंडिया के अंदर में इसके अंदर में कोई गलत चीज़ें ना दिखाया जाए, मतलब इसे मॉनिटर करने के लिए एक गवर्नमेंट अथॉरिटी बना हुआ है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये क्या करता है, सर्टिफाइड करता है कोई फिल्म देखने लायक है या नहीं है आम लोगों के लिए। इसके बाद यार आखिरी टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो जब हम चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं लोगों के बीच, स्टेट के बीच या फिर कंट्रीज़ के बीच, तब हम उसे कहते हैं ट्रेड। अब ये ट्रेड कई तरीके का होता है। मान लो ट्रेड हो रहा है इंडिया का कोई सिटी, टाउन और विलेजेस पे, तो तुम उसे कहोगे लोकल ट्रेड। फिर मान लो कि ट्रेड हो रहा है अब इंडिया के स्टेट्स के बीच, दो या दो से ज़्यादा, तब तुम उसे कहोगे स्टेट लेवल ट्रेड। और आखिर में मान लो कि इंडिया किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है तो उस ट्रेड को कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर है, ट्रेड यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जब यही गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंटरनेशनली कर रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ तो उसे कहते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड से तुम पता कर सकते हो कि एक कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, वो कितना डेवलप्ड है और नहीं है। और ये चीज़ जानने के लिए तुम्हें बस दो चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, उस कंट्री का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कितना है, यानी कि तुम कह सकते हो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कंपोनेंट है ट्रेड का। और यही पे एक कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। अब ये क्या होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। देखो दो कंडीशन होता है, अगर तुम्हारा कंट्री दूसरे कंट्रीज को सामान बेच रहा है यानी कि तुम्हारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है इम्पोर्ट से, तब हम उसे कहेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि ऑब्वियस सा बात है इंडिया के साथ कभी नहीं होता। हम इंडियंस ज़्यादा सामान दूसरे कंट्री से मंगाते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट कभी भी ज़्यादा नहीं रहता है, हमारा ज़्यादा रहता है इम्पोर्ट। तो इसके लिए हम आते हैं दूसरे कंडीशन पे, जब कोई कंट्री इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा होता है एक्सपोर्ट से, तब उसे कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इंडिया हमेशा ही करता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ज़्यादातर जो तुम अपने घर पे सामान देख पाओगे या तो वो चाइनीज़ होगा, या तो वो अमेरिकन होगा, या तो वो साउथ कोरियन होगा, या तो वो जापनीज होगा। इंडियन सामान काफ़ी कम है, इसके वजह से हमारा जो है इम्पोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। तो अगर कोई कंट्री को डेवलप करना है तो सही में बता रहा हूँ उस कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, ना कि इम्पोर्ट। यानी कि हमें ज़्यादा दूसरों को सामान बिकवाना चाहिए, ना कि खुद खरीदना चाहिए। इतना समझ गए। अब दो चीज़ है, इंडिया क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट करता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट मैंने यह लिस्ट दिया हुआ है, तुम थोड़ा नज़र मार लेना, समझ जाओगे, बहुत आसान है। अब फाइनली हम आ चुके इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक टूरिज्म, यानी कि हम जो घूमने फिरने जाते हैं ना कहीं भी, और वहाँ जाके हम बहुत ही मस्ती करते हैं और थोड़ा बहुत पैसा भी स्पेंड करते हैं। ये जो हमने पैसा स्पेंड किया ना वहाँ, इससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा हुआ, हमने जाने अनजाने में लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिया, रोज़गार दिया, एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी किया, और यही है टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ इंडिया स्पेसिफिक। इंडिया के अंदर में इस समय 15 मिलियन लोगों को जॉब मिल रहा है, यानी कि रोज़गार मिल रहा है इस टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ से, यानी कि वो लोग डायरेक्टली इंगेज है टूरिज्म सेक्टर पे। ये तो मैंने डायरेक्टली कहा, इनडायरेक्टली तो कई ज़्यादा है, मैं गिना नहीं सकता। इसी के साथ साथ टूरिज्म से प्रमोट होता है नेशनल इंटीग्रेशन। कैसे, देखो अब मैं हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से,
तो मैं मान लो साउथ इंडिया में जाता हूँ, वहाँ का नया कल्चर देखता हूँ और मुझे बहुत सही लगता है। अरे यार ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं होता, ये तो बहुत ही औसम है यार। फिर मैं जाता हूँ नॉर्दर्न इंडिया पे, राजस्थान, बिहार, यूपी, वहाँ जाके देखता हूँ, अरे यार यहाँ के लोग तो बहुत ही मस्त है, गजब किस्म के बकचोदिया करते हैं यार, मुझे भी करना है। फिर यार मान लो तुम आते हो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे, देखते हो यहाँ के लोगों को, बात करते हो और पता चलता है कि यहाँ के लोग तो काफ़ी कूल है। तो इससे क्या हुआ, हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं और यहाँ जाने अनजाने में ही नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब हम आपस में इकट्ठे मिलकर रह रहे ड्यू टू ट्रैवलिंग टूरिज्म, समझ गए। तीसरा चीज़, टूरिज्म से जो वहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट, मतलब वहाँ के हाथों से जो बनाया हुआ लोकल चीज़ है उसे हम खरीदते हैं। हर जगह कोई यूनिक चीज़ होता है, हम उसे देखते पसंद करते लेते, तो वहाँ का जो लोकल इंडस्ट्री है हैंडीक्राफ्ट का, उसे भी इससे सपोर्ट मिलता है। और फोर्थ जब होता है टूरिज़्म, दुनिया भर के लोग इंडिया में आएगा, इंडिया को देखेगा और समझ पाएगा कि इंडिया का कल्चर, और वो समझ पाएगा कि इंडिया का कल्चर एंड हेरिटेज कितना बड़ा है, हाउ ब्यूटीफुल वी आर, इतना डाइवर्सिफिकेशन है, इतने ज़्यादा गॉड, इतने ज़्यादा लोग, भाई साहब क्या बताओ, इतना औसम सा तो कंट्री है। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने कई बार देखा है और मैं चीज़ सोचता हूँ बस, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जब भी कोई फॉरेनर इंडिया पे आ रहा होता है ना, हम यार कुत्तों की तरह उसके पास पहुँच जाते हैं, भाई साहब एक फ़ोटो खिंचवा दो, मतलब तुम एक आम इंसान को बस उसके रंग के हिसाब से तुम उसे सेलिब्रिटी बना देते हो। भाई वो घूमने आया है घूमने दो, हाँ तुमसे अगर एक बॉन्डिंग हो रहा है, फ्रेंडशिप हो रहा है, ठीक है, बट ये जो दो रुपये वाला हरकत होता है ना भाई, ये चीज़ मत क्या करो, मतलब गंदा लगता है देखने में, बस वो टूरिस्ट है, टूरिस्ट की तरह देखो, मतलब भाई साहब कुछ भी। और फिर आखिरी चीज़, जब टूरिस्ट इंडिया में आते हैं तो क्यों आते हैं, वो हेरिटेज यानी कि हमारा जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स है उन्हें देखने, इको टूरिज्म के लिए, एडवेंचर के लिए, कल्चर को समझने, मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, ये सारी चीज़ है। तो आई गेस मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया है, काफ़ी लंबा था, लिटरली मुंह दर्द दे दिया मेरा, और तुम लोग भी शायद सुन के थके होंगे, तो कर लो आराम जितना करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा यार वीडियो को लाइक करना भूलना मत, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से मुझे मिलता है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, और आगे वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे, बस तुम्हें एक लाइक करना और कमेंट करना, बस और क्या चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, लव यू ऑल।